हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है स्वेग स्वेग एक तेलुगु फिल्म है तो ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं दो हजार चौबीस की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज बेट ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें हसीद कोहली ने की हुई है इस फिल्म को पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है करीबन बीस करोड़ जितना बजट डाला हुआ था जिसमें टीजे विश्वा ने इस फिल्म को एक अच्छे बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था उनके द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म के कास्ट में आपको श्री विष्णु ऋतु वर्मा मीरा जासमिन सुनील दक्षा नागरकर और रवि बाबू देखने को मिलेंगे फिल्म टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी वो ने लिखी हुई, की हुई है, एडिटिंग ने की हुई है जिन्होंने एक सौ उनसठ मिनट यानी कि दो घंटे और उनपचास मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था ओटीटी पी फिल्म दो घंटे से तीस मिनट के रन टाइम के साथ अवेलेबल करवाई गई थी जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी एक सागर ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड सॉन्ग दोनों कम्पोज किया म्यूजिक है वो टिप्स म्यूजिक वालों ने कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको श्री विष्णु देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में काफी सारे रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे किंग भावभतीगनिका का रोल प्ले किया हुआ है एस आई भावभूति का रोल प्ले किया हुआ है विभूति का नायती का और सिंगरनी सिंगा का रोल प्ले किया हुआ है रितु वर्मा इस फिल्म में डबल रोल में देखने को मिलती है नी रुकमणि देवी का और अनुभूति के रोल में मीरा जासमिन ने भी डबल रोल प्ले किया है जहां पे क्वीन उत्तापाल्ला देवी और रेवती का रोल प्ले करते नजर आएंगे सुनील ने वासुदेव का रोल प्ले किया है दक्षा नागरकर ने डबल रोल प्ले किया है वासुन्धरा देवी का और कलुआ का और रवि बाबू ने चिनानाया का रोल प्ले किया हुआ है गोपराजू रमणा ने इस फिल्म में राजा गुरु और महर्षि के रोल में डबल रोल में काम किया हुआ है शरणिया प्रदीप ने इस फिल्म में दक्षाणी और कौशल्या का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनु ने माइकल का रोल प्ले किया हुआ है रजिया लक्ष्मी ने यह थी कि मदर इन लो का रोल प्ले किया हुआ है एकम्बरम का रोल है वो पृथ्वीराज ने प्ले किया हुआ है दाविदू का रोल है वो वासु इंतूरी ने प्ले किया हुआ है वाडी वुकसी ने इस फिल्म में विजय अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति दाम राजू ने इस फिल्म में निस्कल माह का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुए हैं म्यूज़िक की ओर बढ़ते इस फिल्म में आपको टोटल चार ट्रिक सुनने को मिलते हैं म्यूजिक के राइट्स और टिप्स म्यूजिक के पास है जिन्होंने दो में गानों को रिकॉर्ड करवाया था और दो में ही रिलीज किया गया था जहाँ पे साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड को दौड़ना विवेक सागर के ही द्वारा कंपोज किए गए थे फिल्म का जो सभी गाना है उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था तो चार ट्रिक में पहला गाना है सिंगारो सिंगा जिसको निकलेसा सुको जी ने लिखा हुआ था बाबा सेगल वेकम विजय लक्ष्मी ने गाया हुआ था गुआ गुत्ती लोकर के जो गाना है उसको बोना चंद्रा ने लिखा था मनो गीता मधुरी निग्धा शर्मा ने उसको गाया था इंग्लैंडो रानी करके जो गाना है उसको स्वरूप गोली ने लिखा था कैलाश खेर ने गाया था नीलो नीलो गाना जो एडिशनल वोकल्स है वो सृतिका समुन्द्रला ने दिए हुए थे अदरवाइज राजेश कृष्णन और रंजना स्वामी ने उसको गाया हुआ था और भुवाना चंद्रा ने उसको लिखा हुआ था ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको विवेक सागर ने कम्पोज किया था ये सभी गाने टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाए गए थे फिलहाल मैं उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म का जो शूटिंग का कामकाज था वो अनाउंसमेंट था दो हज़ार चौबीस के स्टार्टिंग में करवाया गया था एक अच्छे लंबे शेड्यूल्स के साथ हैदराबाद और अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाया गया था जुलाई के आसपास इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो भावभूति यानी कि श्री विष्णु एक क्रेज़ी पुलिस ऑफिसर है जो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है किसी एक दिन उसको एक लेटर मिलता है जहाँ पे आ, उस लेटर में जो स्वग्निका डायनेस्टी उसका लीगल हेयर वो बताया जाता है उसके अंडर है वो तो अब किस तरह से इस सभी चीज़ों को इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट प्रॉपर्टी को लेता है इसके बाद में इस सुन के न्यूज़ को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली को मिलता है बाद में धीरे धीरे सेम फैमिली से तीन दूसरे लोग भी आ जाते क्लेम करते कि वो प्रॉपर्टी उनकी है और भावभूती को जो ये लेटर मिला हुआ था वो किस तरह से उसके पास आया हुआ था इसके अलावा तीन फैमिली और आई हुई है। इसको क्लेम करने वो कैसे कैसे पॉसिबल है इस फिल्म की कहानी में जो ये दो अलग फैमिली है तीन में से दो वो किस तरह से प्रॉपर्टी को सेम टू सेम वे से दिखते भी सेम ही है तो कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्रोच कर रहे हैं इसके अलावा सेम क्यों दिख रहे हैं एक्चुअल में इसका वारिसदार है कौन ये सभी सवालों के जवाब इसकी बैक स्टोरी वही जवाब देती है तो ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई श्री विष्णु इसमें टोटल पाँच रोल प्ले करते हैं सभी रोल में वो अलग अलग सेट्स डालते हुए नजर आते हैं और उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक एक्टर के तौर पर सभी रोल को डिफ्रेंशिएट करते हुए नज़र आते हैं और सभी ऑल तो में उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी सभी काफी बढ़िया नजर आती है तो उनके बदौत उनके कंधों के ऊपर ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाई गई है जहाँ पे का क्लाइमेक्स में जिस तरह से इमोशनल कर देते थे वो अपने परफॉर्मेंस है वो भी बढ़िया था रितु वर्मा एक मीठी रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म में वो काफ़ी देव डालती हुई नज़र आती है मीरा जासमिन ने इस फिल्म में एक बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर में काफ़ी बढ़िया नजर आती है दक्षा नागरकर ने भी एक डिसेंट रोल प्ले किया हुआ था ठीक उसी तरह सुनील को भी एक अच्छा रोल मिला हुआ था जहाँ पर अपने रोल के साथ एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं गोपराज मण ने एक इंप्रेसिव काम किया हुआ है स्टोरी जिस तरह से स्वेक फिल्म की दिखाई गई है वो काफ़ी इंप्रेसिव है उसमें जो ट्विस्ट डाले हुए रेगुलर इंटरवल के ऊपर वो भी बढ़िया थे इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेकंड हाफ में डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे डायरेक्टर ने उस मैसेज को काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था और वहाँ पे जो इमोशनल चीज़ें थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी जो कन्फ्यूज़न था जो लीगल वारिसदार के ऊपर वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आखिरी के बीस पच्चीस मिनट में हैंडल किया हुआ था इस फिल्म का सबसे बड़ा एसेटे फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन जिस तरह से रॉयल एरा को शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हमारे सामने सभी चीज़ों को नए दुनिया को दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा जिस तरह से फर्स्ट हाफ में चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी काफ़ी बढ़िया थी स्वेग फिल्म एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई हुई थी जहां पे नेरेशन काफी कंफ्यूजिंग नजर आता है जिस तरह से काफी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टर उन सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा टाइम ले लेते हैं जिसके चलते वो एक्चुअल पॉइंट में आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है ऑडियंस तब तक इस फिल्म के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती है और जो चीजें वो क्लियर नहीं हो पाती है तो ज्यादातर ऑडियंस इसी डाउट तक इंटरवल पॉइंट तक तो यही डाउट में रह जाते उसके बाद में कुछ फिल्म में लॉजिकल एरर्स भी देखने को मिलते हैं मीरा जैसमिन दक्षा नागर करके जो कैरेक्टर सोकेस किए गए बाइगो नेरा के उसमें भी कोई क्ल्यू नज़र नहीं आता है प्रॉपर मेनर में पेस फिल्म की काफ़ी स्लो नज़र आती है काफ़ी बेड मोमेंट्स फिल्म में आ, नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से नरेशन हमारे सामने पेश किए गए वो भी उतने कुछ खास थे नहीं एक्चुअल ट्विस्ट और टंस उतने कुछ दमदार नज़र नहीं आते रन टाइम फिल्म का इश्यू बना रहता है क्योंकि फिल्म एक तो ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग थी और फिल्म स्लो चलती रहती है चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी सिंपली नरेशन है वो फिल्म को और बढ़िया बढ़िया बना सकता था एंगेजिंग स्क्रीन प्ले रखना चाहिए था वहाँ पर फिल्म पूरी तरह से फेल होती है विवेक सागर ने जो म्यूज़िक दिया हुआ है वो काफ़ी ऑर्डिनरी नज़र आता है बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसेंट था कुछ चीज़ों को ट करने में मदद करता है गानों में कुछ दम था नहीं सेट वर्क प्रॉप्स जिस तरह से यूज़ किए गए थे डायलॉग्स फिल्म के इंप्रेसिव थे कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से बाइगोनरा को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था वो काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था और कंफ्यूजिंग था डायरेक्टर हसीद कोहली ने जिस तरह से सक्सेसफुली जो स्टोरी लाइन लिखी हुई थी इस वक्त फिल्म की नए चीज़ों के साथ वो सभी चीज़ें एक अच्छा मसाला और ड्रामा स्कोप तैयार कर सकती थी लेकिन वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उसको प्रॉपर मैनर में मटेरियलाइज नहीं कर पाए तो जिसके चलते नेरेशन उनका फिका पड़ता हुआ नजर आता है और फिल्म उतनी कुछ खास बेहतर नज़र नहीं आती इन एक का कन्फ्यूजिंग और कैरेक्टर्स के बीच में फंसी हुई नज़र आती है तो कुछ हद हाँ तक ही इंजॉयबल रह है अदरवाइज़ ये फिल्म कन्फ्यूजिंग और अननेसेसरी चीज़ों के साथ हमारे सामने कनेक्ट नहीं कर पाती तो ओवरऑल श्वेक के पास एक अच्छी स्टोरी लाइन थी एक अच्छा आइडिया था एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी लेकिन डायरेक्टर इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पेश नहीं कर पाते डल स्क्रीन प्ले फिल्म को और बिगाड़ देता है जिसके चलते श्री विष्णु की जो सिंसियर परफॉर्मेंस है उसी के रीज़न के चलते आप इस फिल्म को देख सकते हो अदरवाइज ऐसा कुछ खास है नहीं फिल्म में इस फिल्म यानी कि फिल्म को ऑफिशियली 4 अक्टूबर 2024 को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया था जब ये फिल्म रिलीज हुई तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी अदरवाइज फिल्म का स्क्रीन प्ले जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो फिल्म के एडिटिंग के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे तो स्क्रीन प्ले पे भी के, को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसी चल नहीं पाई थी जहाँ पर आई के ऊपर इस फिल्म ने टोटल कभी तक बाईस सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से वैसे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बीस करोड़ के बजट के सामने सिर्फ आठ करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया था इस फिल्म को ओ टी टी पे अमेजन प्राइम वीडियो के द्वारा प्रीमियर करवाया गया था उनके पास राइट्स थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेक नाम के साथ तेलुगु वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्वेग का हिंदी वर्जन का तभी कुछ अता पता नहीं है लेकिन फिल्म का तेलुगु वर्जन अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ स्सक्रिप्शन देख सकते हो सुयग नाम के साथ इस फिल्म को एक अच्छी व्यवरशिप भी हासिल हुई है तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे स्वेक 2024 हजार की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज बेट ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें हसीद कोहली ने की हुई है इस फिल्म को पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है करीबन बीस करोड़ जितना बजट डाला हुआ था जिसमें टीजे विश्वा ने इस फिल्म को एक अच्छे बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था उनके द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको श्री विष्णु ऋतु वर्मा मीरा जास्मिन सुनील दक्षा नागरकर और रवि बाबू देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो वर्धमान संक्रांत ने की हुई है एडिटिंग विप्लव न्यासदम ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और उन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था ओ टी टी पे फिल्म दो घंटे से तीस मिनट के रन टाइम के साथ अवेलेबल करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में विवेक सागर ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड सॉन्ग दोनों कंपोज किया हुआ है म्यूजिक है वो टिप्स म्यूजिक वालों ने कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको श्री विष्णु देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में आ, त, काफ़ी सारे रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे किंग भावभतीगनिका का रोल प्ले किया हुआ है एस आई भावभूति का रोल प्ले किया हुआ है विभूति का नायती का और सिंगरनी सिंगा का रोल प्ले किया हुआ है रितु वर्मा इस फिल्म में डबल रोल में देखने को मिलती है क्वीन विंजमरनी रुक्मणी देवी का और अनुभूति के रोल में मीरा जासमिन ने भी डबल रोल प्ले किया हुआ है जहां पे क्वीन उत्तापाल्ला देवी और रेवती का रोल प्ले करते नजर आएंगे सुनील ने वासुदेव का रोल प्ले किया है दक्षा नागरकर ने डबल रोल प्ले किया है वासुन्धरा देवी का और कलुआ का और रवि बाबू ने चिनानाया का रोल प्ले किया हुआ है गोपराजू रमणा ने इस फिल्म में राजा गुरु और महर्षि के रोल में डबल रोल में काम किया हुआ है शरणिया प्रदीप ने इस फिल्म में दक्षिणी और कौशल्या का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनु ने माइकल का रोल प्ले किया हुआ है रजिया लक्ष्मी ने यह की मदर इन लो का रोल प्ले किया हुआ है एकम्बरम का रोल है वो पृथ्वीराज ने प्ले किया हुआ है दाविदू का रोल है वो वासु इंतुरी ने प्ले किया हुआ है वाडी वुकसी ने इस फिल्म में विजय अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति दाम राजू ने इस फिल्म में निस्कलमा शाह का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है म्यूजिक की ओर बढ़ते हैं इस फिल्म में आपको टोटल चार ट्रिक सुनने को मिलते हैं म्यूजिक के राइट्स और टिप्स म्यूजिक के पास है जिन्होंने 2024 में गानों को रिकॉर्ड करवाया था और 2024 में ही रिलीज किया गया था जहां पे साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड उसको दौड़ना विवेक सागर के ही द्वारा कंपोज किए गए थे फिल्म का जो सभी गाना है उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था तो चार ट्रिक में पहला गाना है सिंगारो सिंगा जिसको निकलेसा सुनकोजी ने लिखा हुआ था बाबा सेगल वेकम विजय लक्ष्मी ने गाया हुआ था गुआ गुत्तीलो कर के जो गाना है उसको बोना ચંદ્રાને થા મનો ગીતા મધુરી निग्धा शर्मा ने उसको गाया था इंग्लैंडो रानी करके जो गाना है उसको स्वरूप गोली ने लिखा था कैलाश खेर ने गाया था नीलो नीलो गाना जो एडिशनल वोकल्स है वो सुरचिका समुद्रा ने दिए हुए थे अदरवाइज राजेश कृष्णन और रंजना स्वामी ने उसको गाया हुआ था और भुवाना चंद्रा ने उसको लिखा हुआ था ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको विवेक सागर ने कम्पोज किया था ये सभी गाने टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे फिलहाल उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म का जो शूटिंग का कामकाज था वो अनाउंसमेंट था दो हज़ार चौबीस के स्टार्टिंग में करवाया गया था एक अच्छे लंबे शेड्यूल के साथ हैदराबाद और अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाया गया था जुलाई के आसपास इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो भावभूति यानी कि श्री विष्णु एक क्रेज़ी पुलिस ऑफिसर है जो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है किसी एक दिन उसको एक लेटर मिलता है जहाँ पे आ, उस लेटर में जो स्वग्निका डायनेस्टी उसका लीगल हेयर वो बताया जाता है उसके अंडर है वो तो अब किस तरह से इस सभी चीज़ों को इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट प्रॉपर्टी को लेता है इसके बाद में इस सुन के न्यूज़ को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली को मिलता है बाद में धीरे धीरे सेम फैमिली से तीन दूसरे लोग भी आ जाते क्लेम करते कि वो प्रॉपर्टी उनकी है और भावभूति को जो ये लेटर मिला हुआ था वो किस तरह से उसके पास आया हुआ था इसके अलावा तीन फैमिली और आई हुई है इसको क्लेम करने वो कैसे कैसे पॉसिबल है इस फिल्म की कहानी में जो ये दो अलग फैमिली है तीन में से दो वो किस तरह से प्रॉपर्टी को सेम टू सेम वे से दिखते भी सेम ही है तो कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्रोच कर रहे हैं इसके अलावा सेम क्यों दिख रहे हैं एक्चुअल में इसका वारिसदार है कौन ए, ये सभी सवालों के जवाब इसकी बैक स्टोरी वही जवाब देती है तो ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई श्री विष्णु इसमें टोटल पाँच रोल प्ले करते हैं सभी रोल में वो अलग अलग सेट्स डालते हुए नजर आते हैं और उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक से एक्टर के तौर पर सभी रोल को डिफ्रेंशिएट करते हुए नजर आते हैं और सभी में उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी सभी काफी बढ़िया नजर आती है तो उनके बदौलत उनके कंधों के ऊपर ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाई गई है जहाँ पे क्लाइमेक्स में जिस तरह से इमोशनल कर देते थे वो अपने परफॉर्मेंस से वो भी बढ़िया था रितु वर्मा एक मीठी रोल प्ले करते हुए नज़र आते और फिल्म में वो काफ़ी देव डालती हुई नज़र आती है मीरा जासमिन ने इस फिल्म में एक बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर में काफ़ी बढ़िया नजर आती है दक्षा नागरकर ने भी एक डिसेंट रोल प्ले किया हुआ था ठीक उसी तरह सुनील को भी एक अच्छा रोल मिला हुआ था जहाँ पर अपने रोल के साथ एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं गोपराज ब्रह्मणा ने एक इंप्रेसिव काम किया हुआ है स्टोरी जिस तरह से स्वेक फिल्म की दिखाई गई है वो काफी इंप्रेसिव है उसमें जो ट्विस्ट डाले हुए रेगुलर इंटरवल के ऊपर वो भी बढ़िया थे इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेकंड हाफ में डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे डायरेक्टर ने उस मैसेज को काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था और वहाँ पे जो इमोशनल चीज़ें थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी जो कन्फ्यूज़न था जो लीगल वारिसदार के ऊपर वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आखिरी के बीस पच्चीस मिनट में हैंडल किया हुआ था इस फिल्म का सबसे बड़ा एसेट है फिल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन जिस तरह से रॉयल एरा को शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हमारे सामने सभी चीज़ों को नए दुनिया को दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा जिस तरह से फर्स्ट हाफ में चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी काफ़ी बढ़िया थी स्वेग फिल्म एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई हुई थी जहां पे नेरेशन काफी कंफ्यूजिंग नजर आता है जिस तरह से काफी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टर उन सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा टाइम ले लेते हैं जिसके चलते वो एक्चुअल पॉइंट में आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है ऑडियंस तब तक इस फिल्म के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती है और जो चीजें वो क्लियर नहीं हो पाती है तो ज्यादातर ऑडियंस इसी डाउट तक इंटर पॉइंट तक तो यही डाउट में रह जाते उसके बाद में कुछ फिल्म लॉजिकल एरर्स भी देखने को मिलते हैं मीरा जास्मिन दक्षा नागर करके जो कैरेक्टर शोकेस किए गए बाइगो नेरा के उसमें भी कोई क्ल्यू नज़र नहीं आता है प्रॉपर मैनर में पेस फिल्म की काफ़ी स्लो नज़र आती है काफ़ी बेड मोमेंट्स फिल्म में आ, नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से नरेशन हमारे सामने पेश किए गए वो भी उतने कुछ खास थे नहीं एक्चुअल ट्विस्ट और टंस उतने कुछ दमदार नज़र नहीं आते रन टाइम फिल्म का इश्यू बना रहता है क्योंकि फिल्म एक तो ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग थी और फिल्म स्लो चलती रहती है चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी सिंपली नरेशन है वो फिल्म को और बढ़िया बढ़िया बना सकता था एंगेजिंग स्क्रीन प्ले रखना चाहिए था वहाँ पर फिल्म पूरी तरह से फेल होती है विवेक सागर ने जो म्यूजिक दिया हुआ है वो काफ़ी ऑर्डिनरी नज़र आता है बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसेंट था कुछ चीज़ों को ट करने में मदद करता है गानों में कुछ दम था नहीं सेट वर्क प्रॉप्स जिस तरह से यूज़ किए गए थे डायलॉग्स फिल्म के इंप्रेसिव थे कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से बाइगोनरा को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था वो काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता वो काफी था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था और कन्फ्यूजिंग था डायरेक्टर हसीद कोहली ने जिस तरह से सक्सेसफुली जो स्टोरी लाइन लिखी हुई थी उस फिल्म की नए चीज़ों के साथ वो सभी चीज़ें एक अच्छा मसाला और ड्रामा स्कोप तैयार कर सकती थी लेकिन वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उसको प्रॉपर मेनर में मटेरियलाइज नहीं कर पाए तो जिसके चलते नेरसन उनका फिका पड़ता हुआ नजर आता है और फिल्म उतने कुछ खास बेहतर नज़र नहीं आते इन एक का कन्फ्यूजिंग और कैरेक्टर्स के बीच में फंसी हुई नज़र आती है तो कुछ हद हाँ तक ही इंजॉयबल रह पाते अदरवाइज़ ये फिल्म कन्फ्यूजिंग और अननेसेसरी चीज़ों के साथ हमारे सामने कनेक्ट नहीं कर पाते तो ओवरऑल स्वेक के पास एक अच्छी स्टोरी लाइन थी एक अच्छा आइडिया था एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी लेकिन डायरेक्टर इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पेश नहीं कर पाते डल स्क्रीन प्ले फिल्म को और बिगाड़ देता है जिसके चलते श्री विष्णु की जो सिंसियर परफॉर्मेंस है उसी के रीज़न के चलते आप इस फिल्म को देख सकते हो अदरवाइज ऐसा कुछ खास है नहीं फिल्म में इस फिल्म यानी कि स्वेक फिल्म को ऑफिशियली 4 अक्टूबर 2024 को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया था जब ये फिल्म रिलीज हुई तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी अदरवाइज़ फिल्म का स्क्रीन प्ले जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो फिल्म के एडिटिंग के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे तो स्क्रीन प्ले पे भी को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसी चल नहीं पाई थी जहाँ पर आई के ऊपर इस फिल्म ने टोटल अभी तक बाईस वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से वैसे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बीस करोड़ के बजट के सामने सिर्फ आठ करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया था इस फिल्म को ओ टी टी पे अमेजन प्राइम वीडियो के द्वारा प्रीमियर करवाया गया था उनके पास राइट्स थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ तेलुगु वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्वेग का हिंदी वर्जन का तभी कुछ अत पता नहीं है लेकिन फिल्म का तेलुगु वर्जन अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ इस फिल्म को एक अच्छी व्यूअरशिप भी हासिल हुई है तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे स्वेग 2024 हजार की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज बेट ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें हसीद कोहली ने की हुई है इस फिल्म को पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है करीबन बीस करोड़ जितना बजट डाला हुआ था जिसमें टीजे विश्वा ने इस फिल्म को एक अच्छे बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था उनके द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको श्री विष्णु ऋतु वर्मा मीरा जासमिन सुनील दक्षा नागरकर और रवि बाबू देखने को मिलेंगे फिल्म के टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो वर्धमान संक्रांत ने लिखी हुई की हुई है एडिटिंग विप्लव न्यासदम ने की हुई है जिन्होंने एक सौ उनसाठ मिनट यानी कि दो घंटे और उन पचास मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था ओ टी पे फिल्म दो घंटे से तीस मिनट के रन टाइम के साथ अवेलेबल करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी एक सागर ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड सॉन्ग दोनों कंपोज किया हुआ है म्यूजिक है वो टिप्स म्यूजिक वालों ने कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको श्री विष्णु देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में काफ़ी सारे रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे किंग भावभती सोगनिका का रोल प्ले किया हुआ है एस आई भावभूति का रोल प्ले किया हुआ है विभूति का नायती का और सिंगरेनी सिंगा का रोल प्ले किया हुआ है रितु वर्मा इस फिल्म में डबल रोल में देखने को मिलती क्वीन ने विंजमरनी रुकमणी देविका और अनुभूति के रोल में मेरा जासमिन ने भी डबल रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे क्वीन उत्तापाला देवी और रेवती का रोल प्ले करते नजर आएंगे सुनील ने वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है दक्षा नागरकर ने डबल रोल प्ले किया हुआ है वासुंधरा देवी का और कलुआ का और रवि बाबू ने चिनानया का रोल प्ले किया हुआ है गोपराजू रमणा ने इस फिल्म में राजा गुरु और महर्षि के रोल में डबल रोल में काम किया हुआ है सरणिया प्रदीप ने इस फिल्म में दक्ष्यणी और कौशल्या का रोल प्ले किया हुआ गेट प्ले किया है गेटअप श्रीनु ने माइकल का रोल प्ले किया हुआ है रजिया लक्ष्मी ने की मदर इन मदरिनलो का रोल प्ले किया हुआ है एकम्बरम का रोल है वो पृथ्वीराज ने प्ले किया हुआ है दाविदू का रोल है वो वासु इंतूरी ने प्ले किया हुआ है वाडी वक्रशी ने इस फिल्म में विजय अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति दाम राजू ने इस फिल्म में निष्कलमा शाह का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए है म्यूज़िक के ओर बढ़ते इस फिल्म में आपको टोटल आ, चार ट्रिक सुनने को मिलते हैं म्यूजिक के राइट्स और टिप्स म्यूजिक के पास है जिन्होंने 2024 में गानों को रिकॉर्ड करवाया था और 2024 में ही रिलीज किया गया था जहां पे साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड उसको दोनों विवेक सागर के ही द्वारा कंपोज किए गए थे फिल्म का जो सभी गाना है उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था तो चार ट्रिक में पहला गाना है सिंगारो सिंगा जिसको निकलेसा सुंकोजी ने लिखा हुआ था बाबा सेगल वेकम विजय लक्ष्मी ने गाया हुआ था गुआ गुत्तीलोकर के जो गाना है उसको बोना चंद्रा ने लिखा था मनो गीता मधुरी निग्दा शर्मा ने उसको गाया था इंग्लैंडो रानी करके जो गाना है उसको स्वरूप गोली ने लिखा था कैलाश खेर ने गाया था नीलो नीलो गाना जो एडिशनल वोकल से वो सृचिका समुद्रला ने दिए हुए थे अदरवाइज राजेश कृष्णन और रंजना स्वामी ने उसको गाया हुआ था और भुवाना चंद्रा ने उसको लिखा हुआ था ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको विवेक सागर ने कम्पोज किया था ये सभी गाने टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे फिलहाल मैं उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म का जो शूटिंग का कामकाज था वो अनाउंसमेंट था दो हज़ार चौबीस के स्टार्टिंग में करवाया गया था एक अच्छे लंबे शेड्यूल के साथ हैदराबाद और अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाया गया था जुलाई के आसपास इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो भाभभूति यानी कि श्री विष्णु एक क्रेज़ी पुलिस ऑफिसर है जो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है किसी एक दिन उसको एक लेटर मिलता है जहाँ पे उस लेटर में जो स्वग्निका डायनेस्टी उसका लीगल हेयर वो बताया जाता है उसके अंडर है वो तो अब किस तरह से इस सभी चीज़ों को इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट प्रॉपर्टी को लेता है इसके बाद में इस सुन के न्यूज़ को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली को मिलता है बाद में धीरे धीरे सेम फैमिली से तीन दूसरे लोग भी आ जाते क्लेम करते कि वो प्रॉपर्टी उनकी है और भावभूती को जो ये लेटर मिला हुआ था वो किस तरह से उसके पास आया हुआ था इसके अलावा तीन फैमिली और आई हुई है इसको क्लेम करने वो कैसे कैसे पॉसिबल है इस फिल्म की कहानी में जो ये दो अलग फैमिली है तीन में से दो वो किस तरह से प्रॉपर्टी को सेम टू सेम वे से दिखते भी सेम ही है तो कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्रोच कर रहे हैं इसके अलावा सेम क्यों दिख रहे हैं एक्चुअल में इसका वारिसदार है कौन ए, ये सभी सवालों के जवाब इसकी बैक स्टोरी वही जवाब देती है तो ये सभी चीज़ों में फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है श्री विष्णु इसमें टोटल पाँच रोल प्ले करते हैं सभी रोल में वो अलग अलग सेट्स डालते हुए नज़र आते हैं और उनका काम काफ़ी बढ़िया नजर आता है एक्टर के तौर पर सभी रोल को डिफ्रेंशिएट करते हुए नजर आते हैं और सभी में उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी सभी काफ़ी बढ़िया नजर आती है तो उनके बदौलत उनके कंधों के ऊपर ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से चलाई गई है जहाँ पे क्लाइमेक्स में जिस तरह से इमोशनल कर दे थे वो अपने परफॉर्मेंस से वो भी बढ़िया था रितु वर्मा एक मीठी रोल प्ले करते नज़र आते हैं और फिल्म में वो काफ़ी देव डालती हुई नज़र आती है मीरा जासमिन ने इस फिल्म में एक बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर में काफ़ी बढ़िया नज़र आती है दक्षा नागरकर ने भी एक डिसेंट रोल प्ले किया हुआ था ठीक उसी तरह सुनील को भी एक अच्छा रोल मिला हुआ था जहाँ पर अपने रोल के साथ एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं गोपराज रमणा ने एक इम्प्रेसिव काम किया हुआ है स्टोरी जिस तरह से स्वेक फिल्म की दिखाई गई है वो काफी इंप्रेसिव है उसमें जो ट्विस्ट डाले हुए रेगुलर इंटरवल के ऊपर वो भी बढ़िया थे इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेकंड हाफ में डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे डायरेक्टर ने उस मैसेज को काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था और वहाँ पे जो इमोशनल चीज़ें थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी जो कंफ्यूजन था जो लीगल वारिसदार के ऊपर वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आखिरी के बीस पच्चीस मिनट में हैंडल किया हुआ था इस फिल्म का सबसे बड़ा एसेट है फिल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन जिस तरह से रॉयल एरा को शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हमारे सामने सभी चीज़ों को नए दुनिया को दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा जिस तरह से फर्स्ट हाफ में चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी काफ़ी भी बढ़िया थी स्वेग फिल्म एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई हुई थी जहाँ पे नेरेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग नज़र आता है जिस तरह से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टर उन सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं जिसके चलते वो एक्चुअल पॉइंट में आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है ऑडियंस तब तक इस फिल्म के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती है और जो चीज़ें वो क्लियर नहीं हो पाती है तो ज़्यादातर ऑडियंस इसी डाउट तक ट्रल पॉइंट तक तो यही डाउट में रह जाते उसके बाद में कुछ फिल्म लॉजिकल एरर्स भी देखने को मिलते हैं मीरा जैसमिन दक्षा नागर करके जो कैरेक्टर शोकेस किए गए बाइगो एरा के उसमें भी कोई क्ल्यू नज़र नहीं आता है प्रॉपर मैनर में पेस फिल्म की काफ़ी स्लो नज़र आती है काफ़ी बेड मोमेंट्स फिल्म में आ, नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से नरेशन हमारे सामने पेश किए गए वो भी उतने कुछ खास थे नहीं एक्चुअल ट्विस्ट और टंस उतने कुछ दमदार नजर नहीं आते रन टाइम फिल्म का इश्यू बना रहता है क्योंकि फिल्म एक तो ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग थी और फिल्म स्लो चलती रहती है चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी सिंपली नरेशन वो फिल्म को और बढ़िया बढ़िया बना सकता था एंगेजिंग स्क्रीन प्ले रखना चाहिए था वहाँ पर फिल्म पूरी तरह से फेल होती है विवेक सागर ने जो म्यूजिक दिया हुआ है वो काफ़ी ऑर्डिनरी नज़र आता है बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसेंट था कुछ चीज़ों को वेट करने में मदद करता है गानों में कुछ दम था नहीं सेट वर्क प्रॉप्स जिस तरह से यूज़ किए गए थे डायलॉग्स फिल्म के इंप्रेसिव थे कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से बाइगो को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था वो काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था और कन्फ्यूजिंग था डायरेक्टर हसीद कोहली ने जिस तरह से सक्सेसफुली जो स्टोरी लाइन लिखी हुई थी इस वक्त फिल्म की नए चीज़ों के साथ वो सभी चीज़ें एक अच्छा मसाला और ड्रामा स्कोप तैयार कर सकती थी लेकिन वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उसको प्रॉपर मेनर में मटेरियलाइज नहीं कर पाए तो जिसके चलते नेरेशन उनका फिका पड़ता हुआ नजर आता है और फिल्म उतनी कुछ खास बेहतर नज़र नहीं आती कन्फ्यूजिंग और कैरेक्टर्स के बीच में फंसी हुई नज़र आती है तो कुछ हद तक ही इंजोएबल रह पाते अदरवाइज ये फिल्म कन्फ्यूजिंग और अननेसेसरी चीज़ों के साथ हमारे सामने कनेक्ट नहीं कर पाती तो ओवरऑल स्वेक के पास एक अच्छी स्टोरी लाइन थी एक अच्छा आइडिया था एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी लेकिन डायरेक्टर इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पेश नहीं कर पाते डल स्क्रीन प्ले फिल्म को और बिगाड़ देता है जिसके चलते श्री विष्णु की जो सिंसियर परफॉर्मेंस है उसी के रीज़न के चलते आप इस फिल्म को देख सकते हो अदरवाइज ऐसा कुछ खास है नहीं फिल्म में स, इस फिल्म यानी कि स्विक फिल्म को ऑफिशियली 4 अक्टूबर 2024 को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया था जब ये फिल्म रिलीज हुई तब तो इस फिल्म की स्टोरी लाइन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी अदरवाइज फिल्म का स्क्रीन प्ले जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो फिल्म के एडिटिंग के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे तो स्क्रीन प्ले पे भी को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसी चल नहीं पाई थी जहाँ पर आई के ऊपर इस फिल्म ने टोटल अभी तक बाईस सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से वैसे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बीस करोड़ के बजट के सामने सिर्फ आठ करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया था इस फिल्म को ओ टी टी पे अमेजन प्राइम वीडियो के द्वारा प्रीमियर करवाया गया था उनके पास राइट्स थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ तेलगू वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्वेग का हिंदी वर्जन का तभी कुछ अता पता नहीं है लेकिन फिल्म का तेलगू वर्ज़न अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ इस फिल्म को एक अच्छी व्यूअरशिप भी हासिल हुई है तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे स्वेग 2024 हज़ार की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज बेट ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें हसीित कोहली ने की हुई है इस फिल्म को पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है करीबन 20 करोड़ जितना बजट डाला हुआ था जिसमें टी जे ने इस फिल्म को एक अच्छे बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था उनके द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको श्री विष्णु ऋतु वर्मा मीरा जासमिन सुनील दक्षा नागरकर और रवि बाबू देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो वर्धमान संकरान ने लिखी हुई की हुई है एडिटिंग विप्लव न्यासदम ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और उन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था ओ टी पे फिल्म दो घंटे से तीस मिनट के रन टाइम के साथ अवेलेबल करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी एक सागर ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड को सॉन्ग दोनों कंपोज किए हुआ म्यूजिक है वो टिप्स म्यूजिक वालों ने कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको श्री विष्णु देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में आ, त, काफी सारे रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे किंग भावभतीगनिका का रोल प्ले किया हुआ है एस आई भावभूति का रोल प्ले किया हुआ है विभूति का नायती का और सिंगरेनी सिंगा का रोल प्ले किया हुआ है रितु वर्मा इस फिल्म में डबल रोल में देखने को मिलती है क्वीन विंजमरनी रुक्मणी देविका और अनुभूति के रोल में मेरा जैस्मिन ने भी डबल रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे क्वीन उत्तापाला देवी और रेवती का रोल प्ले करते नजर आएंगे सुनील ने वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है दक्षा नागरकर ने डबल रोल प्ले किया हुआ है वासुंधरा देवी का और कलुआ का और रवि बाबू ने चिनानया का रोल प्ले किया हुआ है गोपराजू रमणा ने इस फिल्म में राजा गुरु और महर्षि के रोल में डबल रोल में काम किया हुआ है शरणिया प्रदीप ने इस फिल्म में दक्षिणी और कौशल्या का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनू ने माइकल का रोल प्ले किया हुआ है रजिया लक्ष्मी ने यह मदर इन मदरिनलो का रोल प्ले किया हुआ है एकम्बरम का रोल है वो पृथ्वीराज ने प्ले किया हुआ है दाविदू का रोल है वो वासु इन्तुरी ने प्ले किया हुआ है वाडी वक्रशी ने इस फिल्म में विजय अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति दाम राजू ने इस फिल्म में निस्कलमा शाह का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए म्यूज़िक के ओर बढ़ते इस फिल्म में आपको टोटल आ, चार ट्रिक सुनने को मिलते हैं म्यूजिक के राइट्स और टिप्स म्यूजिक के पास है जिन्होंने 2024 में गानों को रिकॉर्ड करवाया था और 2024 में ही रिलीज किया गया था जहां पे साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड उसको दौड़ना विवेक सागर के ही द्वारा कंपोज किए गए थे फिल्म का जो सभी गाना है उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था तो चार ट्रिक में पहला गाना है सिंगारो सिंगा जिसको निकलेस सुनको जी ने लिखा हुआ था बाबा से गल वेकम विजय लक्ष्मी ने गाया हुआ था गुआ गुत्ती लोकर के जो गाना है उसको बोना चंद्रा ने लिखा था मनो गीता मधुरी ग्धा शर्मा ने उसको गाया था इंग्लैंडो रानी करके जो गाना है उसको स्वरूप गोली ने लिखा था कैलाश खेर ने गाया था नीलो नीलो गाना जो एडिशनल वोकल्स है वो सृतिका समुन्द्रा ने दिए हुए थे अदरवाइज राजेश कृष्णन और रंजना स्वामी ने उसको गाया हुआ था और भुवाना चंद्रा ने उसको लिखा हुआ था ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको विवेक सागर ने कम्पोज किया था ये सभी गाने टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे फिलहाल उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म का जो शूटिंग का कामकाज था वो अनाउंसमेंट था दो हज़ार चौबीस के स्टार्टिंग में करवाया गया था एक अच्छे लंबे शेड्यूल के साथ हैदराबाद और अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाया गया था जुलाई के आसपास इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो भावभूति यानी कि श्री विष्णु एक क्रेज़ी पुलिस ऑफिसर है जो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है किसी एक दिन उसको एक लेटर मिलता है जहाँ पे आ, उस लेटर में जो स्वग्निका डायनेस्टी उसका लीगल हेयर वो बताया जाता है उसके अंडर है वो तो अब किस तरह से इस सभी चीज़ों को इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट प्रॉपर्टी को लेता है इसके बाद में इस सुन के न्यूज़ को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली को मिलता है बाद में धीरे धीरे सेम फैमिली से तीन दूसरे लोग भी आ जाते क्लेम करते कि वो प्रॉपर्टी उनकी है और भावभूती को जो ये लेटर मिला हुआ था वो किस तरह से उसके पास आया हुआ था इसके अलावा तीन फैमिली और आई हुई है इसको क्लेम करने वो कैसे कैसे पॉसिबल है इस फिल्म की कहानी में जो ये दो अलग फैमिली है तीन में से दो वो किस तरह से प्रॉपर्टी को उस सेम टू तो सेम वे से दिखते भी सेम ही है तो कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्रोच कर रहे हैं इसके अलावा सेम क्यों दिख रहे हैं एक्चुअल में इसका वारिसदार है कौन ये सभी सवालों के जवाब इसकी बैक स्टोरी वही जवाब देती है तो ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई श्री विष्णु इसमें टोटल पाँच रोल प्ले करते हैं सभी रोल में वो अलग अलग सेट्स डालते हुए नज़र आते हैं और उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक एक्टर के तौर पर सभी रोल को डिफ्रेंशिएट करते हुए नज़र आते हैं और सभी रोल में उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी सभी काफ़ी बढ़िया नजर आती है तो उनके बदौलत उनके कंधों के ऊपर ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाई गई है जहाँ पे क्लाइमेक्स में जिस तरह से इमोशनल कर देते हैं वो अपने परफॉर्मेंस है वो भी बढ़िया था रितु वर्मा एक मीठी रोल प्ले करते हुए नजर आती है और फिल्म में वो काफी देव डालती हुई नज़र आती है मीरा जासमिन ने इस फिल्म में एक बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर में काफी बढ़िया नज़र आती है दक्षा नागरकर ने भी एक डिसेंट रोल प्ले किया हुआ था ठीक उसी तरह सुनील को भी एक अच्छा रोल मिला हुआ था जहाँ पर अपने रोल के साथ एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए तो नजर आते हैं गोपराज रमणा ने एक इंप्रेसिव काम किया हुआ है स्टोरी जिस तरह से स्वेक फिल्म की दिखाई गई है वो काफी इंप्रेसिव है उसमें जो ट्विस्ट डाले हुए रेगुलर इंटरवल के ऊपर वो भी बढ़िया थे इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेकंड हाफ में डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे डायरेक्टर ने उस मैसेज को काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था और वहाँ पे जो इमोशनल चीज़ें थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी जो कन्फ्यूज़न था जो लीगल वारिसदार के ऊपर वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आखिरी के बीस पच्चीस मिनट में हैंडल किया हुआ था इस फिल्म का सबसे बड़ा एसेट है फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन जिस तरह से रॉयल एरा को शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हमारे सामने सभी चीज़ों को नए दुनिया को दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा जिस तरह से फर्स्ट हाफ में चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी काफ़ी बढ़िया थी स्वेग फिल्म एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई हुई थी जहां पे नेरेशन काफी कंफ्यूजिंग नजर आता है जिस तरह से काफी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टर उन सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी ज्यादा टाइम ले लेते हैं जिसके चलते वो एक्चुअल पॉइंट में आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है ऑडियंस तब तक इस फिल्म के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती है और जो चीज़ें वो क्लियर नहीं हो पाती है तो ज़्यादातर ऑडियंस इसी डाउट तक ट्रेवल पॉइंट तक तो यही डाउट में रह जाते उसके बाद में कुछ फिल्म में लॉजिकल एरर्स भी देखने को मिलते हैं मीरा जैसमिन दक्षा नागर करके जो कैरेक्टर्स शोकेस किए गए बाइगो नेरा के उसमें भी कोई क्ल्यू नज़र नहीं आता है प्रॉपर मैनर में पेस फिल्म की काफ़ी स्लो नज़र आती है काफ़ी बेड मोमेंट्स फिल्म में आ, नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से नरेशन हमारे सामने पेश किए गए वो भी उतने कुछ खास थे नहीं एक्चुअल ट्विस्ट और टर्न्स उतने कुछ दमदार नज़र नहीं आते रन टाइम फिल्म का इश्यू बना रहता है क्योंकि फिल्म एक तो ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग थी और फिल्म स्लो चलती रहती है चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी सिंपली नरेशन ने वो फिल्म को और बढ़िया बढ़िया बना सकता था एंगेजिंग स्क्रीन प्ले रखना चाहिए था वहाँ पर फिल्म पूरी तरह से फेल होती है विवेक सागर ने जो म्यूज़िक दिया हुआ है वो काफ़ी ऑर्डिनरी नज़र आता है बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसेंट था कुछ चीज़ों को एलिवेट करने में मदद करता है गानों में कुछ दम था नहीं सेट वर्क प्रॉप्स जिस तरह से यूज़ किए गए थे डायलॉग्स फिल्म के इंप्रेसिव थे कैमरा वर्क फिल्म का, का काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से बाइगोनरा को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था वो काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था और कन्फ्यूजिंग था डायरेक्टर हसीद कोहली ने जिस तरह से सक्सेसफुली जो स्टोरी लाइन लिखी हुई थी इस वे फिल्म की नए चीज़ों के साथ वो सभी चीज़ें एक अच्छा मसाला और ड्रामा स्कोप तैयार कर सकती थी लेकिन वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उसको प्रॉपर मेनर में मटेरियलाइज नहीं कर पाए तो जिसके चलते नेरेशन का फिका पड़ता हुआ नजर आता है और फिल्म उतनी कुछ खास बेहतर नज़र नहीं आती एक का कन्फ्यूजिंग और कैरेक्टर्स के बीच में फंसी हुई नज़र आती है तो कुछ हद हाँ तक ही इंजॉएबल रह पाते अदरवाइज़ ये फिल्म कन्फ्यूजिंग और अननेसेसरी चीज़ों के साथ हमारे सामने कनेक्ट नहीं कर पाती तो ओवरऑल श्वेक के पास एक अच्छी स्टोरी लाइन थी एक अच्छा आइडिया था एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी लेकिन डायरेक्टर इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पेश नहीं कर पाते डल स्क्रीन प्ले फिल्म को और बिगाड़ देता है जिसके चलते श्री विष्णु की जो सिंसियर परफॉर्मेंस है उसी के के चलते आप इस फिल्म को देख सकते हो अदरवाइज ऐसा कुछ खास है नहीं फिल्म में इस फिल्म यानी कि फिल्म को ऑफिशियली 4 अक्टूबर 2024 को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया था जब यह फिल्म रिलीज हुई तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी अदरवाइज फिल्म का स्क्रीन प्ले जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो फिल्म के एडिटिंग के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे तो स्क्रीन प्ले पे भी के को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसी चल नहीं पाई थी जहाँ पर आई के ऊपर इस फिल्म ने टोटल कभी तक बाईस वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से वैसे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बीस करोड़ के बजट के सामने सिर्फ आठ करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया था इस फिल्म को ओ टी टी पे अमेजन प्राइम वीडियो के द्वारा प्रीमियर करवाया गया था Osionfish. उनके पास राइट्स हैं तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ तेलुगु वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्वेग का हिंदी वर्जन का तभी कुछ अता पता नहीं है लेकिन फिल्म का तेलुगू वर्ज़न अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ इस फिल्म को एक अच्छी व्यवरशिप भी हासिल हुई है तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे दो हजार चौबीस की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज बेट ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें हसीद कोहली ने की हुई है इस फिल्म को पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है करीबन बीस करोड़ जितना बजट डाला हुआ था जिसमें टीजे विश्वा प्रसाद ने इस फिल्म को एक अच्छे बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था उनके द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म के कास्ट में आपको श्री विष्णु ऋतु वर्मा मीरा जासमिन सुनील दक्षा नागरकर और रवि बाबू देखने को मिलेंगे फिल्म के टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो वर्धमान संक्रांत ने लिखी हुई की हुई है एडिटिंग विप्लव न्यासदम ने की हुई है जिन्होंने एक सौ उनसाठ मिनट यानी कि दो घंटे और उन पचास मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था ओ टी फिल्म दो घंटे से तीस मिनट के रन टाइम के साथ अवेलेबल करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में वि एक सागर ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग दोनों कंपोज किए हुआ म्यूजिक है वो टिप्स म्यूजिक वालों ने कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको श्री विष्णु देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में आ, त, काफी सारे रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे किंग भावभतीगनिका का रोल प्ले किया हुआ है एस आई भावभूति का रोल प्ले किया हुआ है विभूति का नायती का और सिंगरनी सिंगा का रोल प्ले किया हुआ है रितु वर्मा इस फिल्म में डबल रोल में देखने को मिलती है क्वीन बहन विंजमरनी रुक्मणी देविका और अनुभूति के रोल में मीरा जासमिन ने भी डबल रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे क्वीन उत्तापाला देवी और रेवती का रोल प्ले करते नजर आएंगे सुनील ने वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है दक्षा नागरकर ने डबल रोल प्ले किया हुआ है वासुंधरा देवी का और कलुआ का और रवि बाबू ने चिनानाया का रोल प्ले किया हुआ है गोपराजू रमणा ने इस फिल्म में राजा गुरु और महर्षि के रोल में डबल रोल में काम किया हुआ है शरण प्रदीप ने इस फिल्म में दक्षिणी और कौशल्या का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनु ने माइकल का रोल प्ले किया हुआ है रजिया लक्ष्मी ने यह की मदर इन लो का रोल प्ले किया हुआ है एकम्बरम का रोल है वो पृथ्वीराज ने प्ले किया हुआ है दाविदू का रोल है वो वासु इंतुरी ने प्ले किया हुआ है वाडी वक्रशी ने इस फिल्म में विजयम्मा का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति दाम राजू ने इस फिल्म में निष्कल माह का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए म्यूज़िक के और बढ़ते इस फिल्म में आपको टोटल आ, चार ट्रैक सुनने को मिलते हैं म्यूजिक के राइट्स और टिप्स म्यूजिक के पास है जिन्होंने 2024 में गानों को रिकॉर्ड करवाया था और 2024 में ही रिलीज किया गया था जहां पे साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड को दोनों विवेक सागर के ही द्वारा कंपोज किए गए थे फिल्म का जो सभी गाना है उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था तो चार ट्रिक में पहला गाना है सिंगारो सिंगा जिसको निकलेस सुंकोजी जी ने लिखा हुआ था बाबा से गल वेकम विजयलक्ष्मी ने गाया हुआ था गुवा गुत्तीलोकर के जो गाना है उसको बोना चंद्रा ने लिखा था मनो गीता मधुरी निग्धा शर्मा ने उसको गाया था इंग्लैंडो रानी करके जो गाना है उसको स्वरूप गोली ने लिखा था कैलाश खेर ने गाया था नीलो नीलो गाना जो एडिशनल वोकल्स है वो सुरुचि सुरचिका समुद्रा ने दिए हुए थे अदरवाइज राजेश कृष्णन और रंजना स्वामी ने उसको गाया हुआ था और भुवाना चंद्रा ने उसको लिखा हुआ था ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको विवेक सागर ने कम्पोज किया था ये सभी गाने टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म का जो शूटिंग का कामकाज था वो अनाउंसमेंट था दो हज़ार चौबीस के स्टार्टिंग में करवाया गया था एक अच्छे लंबे शेड्यूल के साथ हैदराबाद और अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाया गया था जुलाई के आसपास इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो भावभूति यानी कि श्री विष्णु एक क्रेज़ी पुलिस ऑफिसर है जो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है किसी एक दिन उसको एक लेटर मिलता है जहाँ पे आ, उस लेटर में जो स्वग्निका डायनेस्टी उसका लीगल हेयर वो बताया जाता है उसके अंडर है वो तो अब किस तरह से इस सभी चीज़ों को इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट प्रॉपर्टी को लेता है इसके बाद में इस सुन के न्यूज़ को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग कर, करता है उस फैमिली को मिलता है बाद में धीरे धीरे आ, त, सेम फैमिली से तीन दूसरे लोग भी आ जाते क्लेम करते कि वो प्रॉपर्टी उनकी है और भावभूती को जो ये लेटर मिला हुआ था वो किस तरह से उसके पास आया हुआ था इसके अलावा तीन फैमिली और आई हुई है इसको क्लेम करने वो कैसे कैसे पॉसिबल है इस फिल्म की कहानी में जो ये दो अलग फैमिली है तीन में से दो वो किस तरह से प्रॉपर्टी को सेम टू सेम वे से दिखते भी सेम ही है तो कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्रोच कर रहे हैं इसके अलावा सेम क्यों दिख रहे हैं एक्चुअल में इसका वारिसदार है कौन ए, ये सभी सवालों के जवाब इसकी बैक स्टोरी वही जवाब देती है तो ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई श्री विष्णु इसमें टोटल पाँच रोल प्ले करते हैं सभी रोल में वो अलग अलग सेट्स डालते हुए नजर आते हैं और उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक से एक्टर के तौर पर सभी रोल को डिफ्रेंशिएट करते हुए नजर आते हैं और सभी में उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी सभी काफी बढ़िया नजर आती है तो उनके बदलत उनके कंधों के ऊपर ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाई गई है जहाँ पे क्लाइमेक्स में जिस तरह से इमोशनल कर देते थे वो अपने परफॉर्मेंस है वो भी बढ़िया था रितु वर्मा एक मीठी रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं और फिल्म में वो काफी देव डालती हुई नजर आती है मीरा जासमिन ने इस फिल्म में एक बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर में काफी बढ़िया नजर आती है दक्षा नागरकर ने भी एक डिसेंट रोल प्ले किया हुआ था ठीक उसी तरह सुनील को भी एक अच्छा रोल मिला हुआ था जहाँ अपने रोल के साथ एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए तो नजर आते हैं गोपराज रमणा ने एक इंप्रेसिव काम किया हुआ है। स्टोरी जिस तरह से फिल्म की दिखाई गई है वो काफी इंप्रेसिव है उसमें जो ट्विस्ट डाले हुए रेगुलर इंटरवल के ऊपर वो भी बढ़िया थे इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेकंड हाफ में डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे डायरेक्टर ने उस मैसेज को काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था और वहाँ पे जो इमोशनल चीज़ें थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी जो कन्फ्यूज़न था जो लीगल वारिसदार के ऊपर वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आखिरी के बीस पच्चीस मिनट में हैंडल किया हुआ था इस फिल्म का सबसे बड़ा एसेट है फिल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन जिस तरह से रॉयल एरा को शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हमारे सामने सभी चीज़ों को नए दुनिया को दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा जिस तरह से फर्स्ट हाफ़ में चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी काफ़ी बढ़िया थी स्वेग फिल्म एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई हुई थी जहां पे नेरेशन काफी कंफ्यूजिंग नजर आता है जिस तरह से काफी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टर उन सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा टाइम ले लेते हैं जिसके चलते वो एक्चुअल पॉइंट में आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है ऑडियंस तब तक इस फिल्म के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती है और जो चीजें वो क्लियर नहीं हो पाती है तो ज्यादातर ऑडियंस इसी डाउट तक इंटर ट्रेवल पॉइंट तक तो यही डाउट में रह जाते उसके बाद में कुछ फिल्म लॉजिकल एरर्स भी देखने को मिलते हैं मीरा जैसमिन दक्षा नागर करके जो कैरेक्टर्स शोकेस किए गए बाइगो नेरा के उसमें भी कोई क्ल्यू नजर नहीं आता है प्रॉपर मैनर में पेस फिल्म की काफ़ी स्लो नज़र आती है काफ़ी बेड मोमेंट्स फिल्म में आ, नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से नरेशन हमारे सामने पेश किए गए वो भी उतने कुछ खास थे नहीं एक्चुअल ट्विस्ट और टंस उतने कुछ दमदार नज़र नहीं आते रन टाइम फिल्म का इश्यू बना रहता है क्योंकि फिल्म एक तो ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग थी और फिल्म स्लो चलती रहती है चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी सिंपली नरेशन है वो फिल्म को और बढ़िया बढ़िया बना सकता था एंगेजिंग स्क्रीन प्ले रखना चाहिए था वहाँ पर फिल्म पूरी तरह से फेल होती है विवेक सागर ने जो म्यूज़िक दिया हुआ है वो काफ़ी ऑर्डिनरी नज़र आता है बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसेंट था कुछ चीज़ों को ट करने में मदद करता है गानों में कुछ दम था नहीं सेट वर्क प्रॉप्स जिस तरह से यूज़ किए गए थे डायलॉग्स फिल्म के इंप्रेसिव थे कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से बाइगोनरा को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था वो काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता वो काफी था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था और कंफ्यूजिंग था डायरेक्टर हसीद कोहली ने जिस तरह से सक्सेसफुली जो स्टोरी लाइन लिखी हुई थी इस वक्त फिल्म की नए चीज़ों के साथ वो सभी चीज़ें एक अच्छा मसाला और ड्रामा स्कोप तैयार कर सकती थी लेकिन वो एज़ अ डायरेक्टर के तौर पे उसको प्रॉपर मैनर में मटेरियलाइज नहीं कर पाए तो जिसके चलते नेरसन का फिका पड़ता हुआ नज़र आता है और फिल्म उतनी कुछ खास बेहतर नज़र नहीं आती इन एक का कन्फ्यूजिंग और कैरेक्टर्स के बीच में फंसी हुई नज़र आती तो है तो कुछ हद तक ही इंजॉयबल रेप आती है अदरवाइज़ ये फिल्म कन्फ्यूजिंग और अननेसेसरी चीज़ों के साथ हमारे सामने कनेक्ट नहीं कर पाते तो ओवरऑल स्वेक के पास एक अच्छी स्टोरी लाइन थी एक अच्छा आइडिया था एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी लेकिन डायरेक्टर इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पेश नहीं कर पाते डल स्क्रीन प्ले फिल्म को और बिगाड़ देता है जिसके चलते श्री विष्णु की जो सिंसियर परफॉर्मेंस है उसी के रीज़न के चलते आप इस फिल्म को देख सकते हो अदरवाइज ऐसा कुछ खास है नहीं फिल्म में इस फिल्म यानी कि स्वेक फिल्म को ऑफिशियली 4 अक्टूबर 2024 को तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया था जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी अदरवाइज फिल्म का स्क्रीन प्ले जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो फिल्म के एडिटिंग के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे तो स्क्रीन प्ले पे भी को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसी चल नहीं पाई थी जहाँ पर आई के ऊपर इस फिल्म ने टोटल अभी तक बाईस सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से वैसे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बीस करोड़ के बजट के सामने सिर्फ आठ करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया था इस फिल्म को ओ टी टी पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के द्वारा प्रीमियर करवाया गया था उनके पास राइट्स हैं तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ तेलुगु वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्वेग का हिंदी वर्जन का तभी कुछ अता पता नहीं है लेकिन फिल्म का तेलुगु वर्जन अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ इस फिल्म को एक अच्छी व्यूअरशिप भी हासिल हुई है तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे स्वेग 2024 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज बेट ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें हसीद कोहली ने की हुई है इस फिल्म को पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है करीबन बीस करोड़ जितना बजट डाला हुआ था जिसमें टी जे ने इस फिल्म को एक अच्छे बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था उनके द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको श्री विष्णु रितु वर्मा मीरा जासमिन सुनील दक्षा नागरकर और रवि बाबू देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो वर्धमान संक्रांत ने लिखी हुई की हुई है एडिटिंग विप्लव न्यासदम ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और उन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था ओ टी टी पे फिल्म दो घंटे से तीस मिनट के रन टाइम के साथ अवेलेबल करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी एक सागर ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुआ म्यूजिक है वो टिप्स म्यूजिक वालों ने कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको श्री विष्णु देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में आ, त, काफ़ी सारे रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे किंग भावभती गनिका का रोल प्ले किया हुआ है एस आई भावभूति का रोल प्ले किया हुआ है विभूति का नायती का और सिंगरनी सिंगा का रोल प्ले किया हुआ है रितु वर्मा इस फिल्म में डबल रोल में देखने को मिलती है क्वीन विंजमर ने रुक्मणी देवी का और अनुप्रति के रोल में मेरा जस्मिन ने भी डबल रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे क्वीन उत्तापाला देवी और रेवती का रोल प्ले करते नजर आएंगे सुनील ने वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है दक्षा नागरकर ने डबल रोल प्ले किया हुआ है वासुंधरा देवी का और कलुआ का और रवि बाबू ने चिना नया का रोल प्ले किया हुआ है गोपराजू रमणा ने इस फिल्म में राजा गुरु और महर्षि के रोल में डबल रोल में काम किया हुआ है शरणिया प्रदीप ने इस फिल्म में दक्षाणी और कौशल्या का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनु ने माइकल का रोल प्ले किया हुआ है रजिया लक्ष्मी ने यह थी कि मदरिनलो का रोल प्ले किया हुआ है एकम्बरम का रोल है वो पृथ्वीराज ने प्ले किया हुआ है दाविदू का रोल है वो वासु इंतुरी ने प्ले किया हुआ है वाडी वक्रशी ने इस फिल्म में विजय का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति दाम राजू ने इस फिल्म में निष्कल माह का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है म्यूज़िक के ओर बढ़ते इस फिल्म में आपको टोटल आ, चार ट्रिक सुनने को मिलते हैं म्यूजिक के राइट्स और टिप्स म्यूजिक के पास है जिन्होंने 2024 में गानों को रिकॉर्ड करवाया था और 2024 में ही रिलीज किया गया था जहां पे साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड उसको दौड़ना विवेक सागर के ही द्वारा कंपोज किए गए थे फिल्म का जो सभी गाना है उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था तो चार ट्रिक में पहला गाना है सिंगारो सिंगा जिसको निकलेस सुनको जी ने लिखा हुआ था बाबा सेगल वेकम विजय लक्ष्मी ने गाया हुआ था गुआ गुत्ती लोकर के जो गाना है उसको बोना चंद्रा ने लिखा था मनो गीता मधुरी निग्धा शर्मा ने उसको गाया था इंग्लैंडो रानी करके जो गाना है उसको स्वरूप गोली ने लिखा था कैलाश खेर ने गाया था नीलो नीलो गाना जो एडिशनल वोकल्स है वो सुरचिका समुद्रला ने दिए हुए थे अदरवाइज राजेश कृष्णन और रंजना स्वामी ने उसको गाया हुआ था और भुवाना चंद्रा ने उसको लिखा हुआ था ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको विवेक सागर ने कम्पोज किया था ये सभी गाने टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म का जो शूटिंग का कामकाज था वो अनाउंसमेंट था दो हज़ार चौबीस के स्टार्टिंग में करवाया गया था एक अच्छे लंबे शेड्यूल के साथ हैदराबाद और अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाया गया था जुलाई के आसपास इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो भावभूति यानी कि श्री विष्णु एक क्रेज़ी पुलिस ऑफिसर है जो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है किसी एक दिन उसको एक लेटर मिलता है जहाँ पे उस लेटर में जो स्वग्निका डायनेस्टी उसका लीगल हेयर वो बताया जाता है उसके अंडर है वो तो अब किस तरह से इस सभी चीज़ों को इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट प्रॉपर्टी को लेता है इसके बाद में इस सुन के चीनी न्यूज़ को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली को मिलता है बाद में धीरे धीरे सेम फैमिली से तीन दूसरे लोग भी आ जाते क्लेम करते कि वो प्रॉपर्टी उनकी है और भावभूती को जो ये लेटर मिला हुआ था वो किस तरह से उसके पास आया हुआ था इसके अलावा तीन फैमिली और आई हुई है इस को क्लेम करने वो कैसे कैसे पॉसिबल है इस फिल्म की कहानी में जो ये दो अलग फैमिली Okay. तीन में से दो वो किस तरह से प्रॉपर्टी को सेम टू सेम वे से दिखते भी सेम ही है तो कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्रोच कर रहे हैं इसके अलावा सेम क्यों दिख रहे हैं एक्चुअल में इसका वारिसदार है कौन ए, ये सभी सवालों के जवाब इसकी बैक स्टोरी वही जवाब देती है तो ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई श्री विष्णु इसमें टोटल पाँच रोल प्ले करते हैं सभी रोल में वो अलग अलग सेट्स डालते हुए नजर आते हैं और उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक एक्टर के तौर पर सभी रोल को डिफ्रेंशिएट करते हुए नजर आते हैं और सभी में उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी सभी काफी बढ़िया नजर आती है तो उनके बदौलत उनके कंधों के ऊपर ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाई गई है जहाँ पे का क्लाइमेक्स में जिस तरह से इमोशनल कर देते थे वो अपने परफॉर्मेंस से वो भी बढ़िया था रितु वर्मा एक मीठी रोल प्ले करते नज़र आते हैं और फिल्म में वो काफ़ी देव डालती हुई नज़र आती है मीरा जासमिन ने इस फिल्म में एक बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर में काफ़ी बढ़िया नजर आती है दक्षा नागरकर ने भी एक डिसेंट रोल प्ले किया हुआ था ठीक उसी तरह सुनील को भी एक अच्छा रोल मिला हुआ था जहाँ पर अपने रोल के साथ एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं गोपराज ब्रह्मणा ने एक इंप्रेसिव काम किया हुआ है स्टोरी जिस तरह से स्वेक फिल्म की दिखाई गई है वो काफी इंप्रेसिव है उसमें जो ट्विस्ट डाले हुए रेगुलर इंटरवल के ऊपर वो भी बढ़िया थे इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेकंड हाफ में डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे डायरेक्टर ने उस मैसेज को काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था और वहाँ पे जो इमोशनल चीज़ें थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी जो कन्फ्यूज़न था जो लीगल वारिसदार के ऊपर वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आखिरी के बीस पच्चीस मिनट में हैंडल किया हुआ था इस फिल्म का सबसे बड़ा एसेटे फिल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन जिस तरह से रॉयल एरा को शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हमारे सामने सभी चीज़ों को नए दुनिया को दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा जिस तरह से फर्स्ट हाफ़ में चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी काफ़ी बढ़िया थी स्वेग फिल्म एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई हुई थी जहाँ पे नेरेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग नजर आता है जिस तरह से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टर उन सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं जिसके चलते वो एक्चुअल पॉइंट में आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है ऑडियंस तब तक इस फिल्म के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती है और जो चीज़ें वो क्लियर नहीं हो पाती है तो ज़्यादातर ऑडियंस इसी डाउट तक इंटरवल पॉइंट तक तो यही डाउट में रह जाते उसके बाद में कुछ फिल्म लॉजिकल एरर्स भी देखने को मिलते हैं मीरा जैस्मिन दक्षा नागर करके जो कैरेक्टर शोकेस किए गए बाइगो नेरा के उसमें भी कोई क्ल्यू नज़र नहीं आता है प्रॉपर मेनर में पेस फिल्म की काफ़ी स्लो नज़र आती है काफ़ी बेड मोमेंट्स फिल्म में आ, नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से नरेशन हमारे सामने पेश किए गए वो भी उतने कुछ खास थे नहीं एक्चुअल ट्विस्ट और टंस उतने कुछ दमदार नज़र नहीं आते रन टाइम फिल्म का इश्यू बना रहा रहता है क्योंकि फिल्म एक तो ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग थी और फिल्म स्लो चलती रहती है चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी सिंपली नरेशन ने वो फिल्म को और बढ़िया बढ़िया बना सकता था एंगेजिंग स्क्रीन प्ले रखना चाहिए था वहाँ पर फिल्म पूरी तरह से फेल होती है विवेक सागर ने जो म्यूज़िक दिया हुआ है वो काफ़ी ऑर्डिनरी नज़र आता है बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसेंट था कुछ चीज़ों को वेट करने में मदद करता है गानों में कुछ दम था नहीं सेट वर्क प्रॉप्स जिस तरह से यूज़ किए गए थे डायलॉग्स फिल्म के इंप्रेसिव थे कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से बाइगोनरा को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था वो काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था और कन्फ्यूजिंग था डायरेक्टर हसीद कोहली ने जिस तरह से सक्सेसफुली जो स्टोरी लाइन लिखी हुई थी इस वक्त फिल्म की नए चीज़ों के साथ वो सभी चीज़ें एक अच्छा मसाला और ड्रामा स्कोप तैयार कर सकती थी लेकिन वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उसको प्रॉपर मैनर में मटेरियलाइज नहीं कर पाए तो जिसके चलते नरेशन उनका फिका पड़ता हुआ नज़र आता है और फिल्म उतनी कुछ खास बेहतर नज़र नहीं आती एक का कन्फ्यूजिंग और कैरेक्टर्स के बीच में फंसी हुई नज़र आती है तो कुछ हद तक ही इंजॉयबल रेप आती है अदरवाइज़ ये फिल्म कन्फ्यूजिंग और अननेसेसरी चीज़ों के साथ हमारे सामने कनेक्ट नहीं कर पाते तो ओवरऑल स्वेक के पास एक अच्छी स्टोरी लाइन थी एक अच्छा आइडिया था एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी लेकिन डायरेक्टर इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पेश नहीं कर पाते डल स्क्रीन प्ले फिल्म को और बिगाड़ देता है जिसके चलते श्री विष्णु की जो सिंसियर परफॉर्मेंस है उसी के रीजन के चलते आप इस फिल्म को देख सकते हो अदरवाइज ऐसा कुछ खास है नहीं फिल्म में इस फिल्म यानी कि स्वेक फिल्म को ऑफिशियली 4 अक्टूबर 2024 को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया था जब यह फिल्म रिलीज हुई तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी अदरवाइज़ फिल्म का स्क्रीन प्ले जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो फिल्म के एडिटिंग के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे स्क्रीन प्ले पे भी को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसी चल नहीं पाई थी जहाँ पर आई के ऊपर इस फिल्म ने टोटल कभी तक बाईस वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से वैसे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बीस करोड़ के बजट के सामने सिर्फ आठ करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया था इस फिल्म को ओ टी टी पे अमेजन प्राइम वीडियो के द्वारा प्रीमियर करवाया गया था उनके पास राइट्स थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ तेलुगु वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्वेग का हिंदी वर्जन का तभी कुछ अतः पता नहीं है लेकिन फिल्म का तेलुगु वर्जन अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ इस फिल्म को एक अच्छी व्यवरशिप भी हासिल हुई है तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे स्वेग 2024 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज बेट ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायल लोग, स्क्रिप्टिंग डायरेक्शन सभी चीजें हसीद गोली ने की हुई है इस फिल्म को पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया करीबन बीस करोड़ जितना बजट डाला हुआ था जिसमें टीजे विश्व प्रसाद ने इस फिल्म को एक अच्छे बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था उनके द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको श्री विष्णु ऋतु वर्मा मीरा जासमिन सुनील दक्षा नागरकर और रवि बाबू देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो वर्धमान संकरान ने लिखी हुई की हुई है एडिटिंग विप्लव न्यासदम ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और उन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था ओ टी टी पे फिल्म दो घंटे से तीस मिनट के रन टाइम के साथ अवेलेबल करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी एक सागर ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग दोनों कंपोज किए हुआ म्यूजिक है वो टिप्स म्यूजिक वालों ने कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको श्री विष्णु देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में आ, त, काफ़ी सारे रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे किंग भावभती सोगनिका का रोल प्ले किया हुआ है एस आई भावभुति का रोल प्ले किया हुआ है विभूति का नायती का और सिंगरेनी सिंगा का रोल प्ले किया हुआ है रितु वर्मा इस फिल्म में डबल रोल में देखने को मिलती है क्वीन विंजमरनी रुक्मिणी देविका और अनुभूति के रोल में मेरा जैस्मिन ने भी डबल रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे क्वीन उत्तापाला देवी और रेवती का रोल प्ले करते नजर आएंगे सुनील ने वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है दक्षा नागरकर ने डबल रोल प्ले किया हुआ है वासुंधरा देवी का और कलुआ का और रवि बाबू ने किनानाया का रोल प्ले किया हुआ है गोपराजू रमणा ने इस फिल्म में राजा गुरु और महर्षि के रोल में डबल रोल में काम किया हुआ है शरणिया प्रदीप ने इस फिल्म में दक्षिणी और कौशल्या का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनु ने माइकल का रोल प्ले किया हुआ है रजिया लक्ष्मी ने यह थी कि मदरिनलो का रोल प्ले किया हुआ है एकम्बरम का रोल है वो पृथ्वीराज ने प्ले किया हुआ है दाविदू का रोल है वो वासु इन्तुरी ने प्ले किया हुआ है वाडी वक्रशी ने इस फिल्म में विजय अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति दाम राजू ने इस फिल्म में निस्कलमा शाह का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए म्यूज़िक के ओर बढ़ते इस फिल्म में आपको टोटल आ, चार ट्रैक सुनने को मिलते हैं म्यूजिक के राइट्स और टिप्स म्यूजिक के पास है जिन्होंने 2024 में गानों को रिकॉर्ड करवाया था और 2024 में ही रिलीज किया गया था जहां पे साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड को दोनों विवेक सागर के ही द्वारा कंपोज किए गए थे फिल्म का जो सभी गाना है उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था तो चार ट्रिक में पहला गाना है सिंगारो सिंगा जिसको निकलेस सुंकोजी जी ने लिखा हुआ था बाबा सेगल वेकम विजय लक्ष्मी ने गाया हुआ था गुआ गुत्तीलोकर के जो गाना है उसको बोना चंद्रा ने लिखा था मनो गीता मधुरी निकदा शर्मा ने उसको गाया था इंग्लैंडो रानी करके जो गाना है उसको स्वरूप गोली ने लिखा था कैलाश खेर ने गाया था नीलो नीलो गाना जो एडिशनल वोकल्स है वो का समुद्रा ने दिए हुए थे अदरवाइज राजेश कृष्णन और रंजना स्वामी ने उसको गाया हुआ था और भुवाना चंद्रा ने उसको लिखा हुआ था ये टोटल चार ट्रेक थे जिसको विवेक सागर ने कंपोज किया था ये सभी गाने टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे फिलहाल मैं उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म का जो शूटिंग का कामकाज था वो अनाउंसमेंट था दो के स्टार्टिंग में करवाया गया था एक अच्छे लंबे शेड्यूल्स के साथ हैदराबाद और अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाया गया था जुलाई के आसपास इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो भावभूति यानी कि श्री विष्णु एक क्रेज़ी पुलिस ऑफिसर है जो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है किसी एक दिन उसको एक लेटर मिलता है जहाँ पे आ, उस लेटर में जो स्वग्निका डायनेस्टी उसका लीगल हेयर वो बताया जाता है उसके अंडर है वो तो अब किस तरह से इस सभी चीज़ों को इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट प्रॉपर्टी को लेता है इसके बाद में इस सुन के न्यूज़ को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग कर, करता है उस फैमिली को मिलता है बाद में धीरे धीरे सेम फैमिली से तीन दूसरे लोग भी आ जाते क्लेम करते कि वो प्रॉपर्टी उनकी है और भावभूति को जो ये लेटर मिला हुआ था वो किस तरह से उसके पास आया हुआ था इसके अलावा तीन फैमिली और आई हुई है क्लेम करने वो कैसे कैसे पॉसिबल है इस फिल्म की कहानी में जो ये दो अलग फैमिली है तीन में से दो वो किस तरह से प्रॉपर्टी को सेम टू सेम वैसे दिखते भी सेम ही है तो कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्रोच कर रहे इसके अलावा सेम क्यों दिख रहे एक्चुअल में इसका वारिसदार है कौन ये सभी सवालों के जवाब इसकी बैक स्टोरी वही जवाब देती है तो ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई श्री विष्णु इसमें टोटल पाँच रोल प्ले करते सभी रोल में वो अलग अलग सेट्स डालते हुए नज़र आते हैं और उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक एक्टर के तौर पर सभी रोल को डिफ्रेंशिएट करते हुए नजर आते हैं और सभी रोल में उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी सभी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है तो उनके बदौलत उनके कंधों के ऊपर ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाई गई है जहाँ पे का क्लाइमेक्स में जिस तरह से इमोशनल कर देते थे वो अपने परफॉर्मेंस से वो भी बढ़िया था रितु वर्मा एक मीठी रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म में वो काफ़ी देव डालती हुई नज़र आती है मीरा जासमिन ने इस फिल्म में एक बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर में काफ़ी बढ़िया नजर आती है दक्षा नागरकर ने भी एक डिसेंट रोल प्ले किया हुआ था ठीक उसी तरह सुनील को भी एक अच्छा रोल मिला हुआ था जहाँ पर अपने रोल के साथ एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं गोपराज ने एक इंप्रेसिव काम किया हुआ है स्टोरी जिस तरह से स्वेक फिल्म की दिखाई गई है वो काफी इंप्रेसिव है उसमें जो ट्विस्ट डाले हुए रेगुलर इंटरवल के ऊपर वो भी बढ़िया थे इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेकंड हाफ में डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे डायरेक्टर ने उस मैसेज को काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था और वहाँ पे जो इमोशनल चीज़ें थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी जो कन्फ्यूज़न था जो लीगल वारिसदार के ऊपर वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आखिरी के बीस पच्चीस मिनट में हैंडल किया हुआ था इस फिल्म का सबसे बड़ा एसेटे फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन जिस तरह से रॉयल एरा को शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हमारे सामने सभी चीज़ों को नए दुनिया को दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा जिस तरह से फर्स्ट हाफ में चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी काफ़ी बढ़िया थी स्वेक फिल्म एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई हुई थी जहां पे नेरेशन काफी कंफ्यूजिंग नजर आता है जिस तरह से काफी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टर उन सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा टाइम ले लेते हैं जिसके चलते वो एक्चुअल पॉइंट में आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है ऑडियंस तब तक इस फिल्म के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती है और जो चीजें वो क्लियर नहीं हो पाती है तो ज्यादातर ऑडियंस इसी डाउट तक इंटरवल पॉइंट तक तो यही डाउट में रह जाते उसके बाद में कुछ फिल्म लॉजिकल एरर्स भी देखने को मिलते हैं मीरा जैसमिन दक्षा नागर करके जो कैरेक्टर सोकेस किए गए बाइगो एरा के उसमें भी कोई क्ल्यू नज़र नहीं आता है प्रॉपर मेनर में पेस फिल्म की काफ़ी स्लो नज़र आती है काफ़ी बेड मोमेंट्स फिल्म में आ, नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से नरेशन हमारे सामने पेश किए गए वो भी उतने कुछ खास थे नहीं एक्चुअल ट्विस्ट और टंस उतने कुछ दमदार नज़र नहीं आते रन टाइम फिल्म का इश्यू बना रहता है क्योंकि फिल्म एक तो ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग थी और फिल्म स्लो चलती रहती है चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी सिम्पली नरेशन ने वो फिल्म को और बढ़िया बढ़िया बना सकता था एंगेजिंग स्क्रीन प्ले रखना चाहिए था वहाँ पे फिल्म पूरी तरह से फेल होती है विवेक सागर ने जो म्यूजिक दिया हुआ है वो काफ़ी ऑर्डिनरी नज़र आता है बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसेंट था कुछ चीज़ों को एलिवेट करने में मदद करता है गानों में कुछ दम था नहीं सेट वर्क प्रॉप्स जिस तरह से यूज़ किए गए थे डायलॉग्स फिल्म के इंप्रेसिव थे कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से बायगोनेरा को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था वो काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था वो काफ़ी डिसअपइंटिंग था और कन्फ्यूजिंग था डायरेक्टर हसीद गोली ने जिस तरह से सक्सेसफुली जो स्टोरी लाइन लिखी हुई थी इस वक्त फिल्म की नए चीज़ों के साथ वो सभी चीज़ें एक अच्छा मसाला और ड्रामा स्कोप तैयार कर सकती थी लेकिन वो एज़ अ डायरेक्टर के तौर पे उसको प्रॉपर मैनर में मटेरियलाइज नहीं कर पाए तो जिसके चलते नेरिसन उनका फिका पड़ता हुआ नज़र आता है और फिल्म उतनी कुछ खास बेहतर नज़र नहीं आती इन एक का कन्फ्यूजिंग और कैरेक्टर्स के बीच में फंसी हुई नज़र आती है तो कुछ हद हाँ तक ही इंजॉयबल रह है अदरवाइज़ ये फिल्म कन्फ्यूजिंग और अननेसेसरी चीज़ों के साथ हमारे सामने कनेक्ट नहीं कर पाते तो ओवरऑल स्वेक के पास एक अच्छी स्टोरी लाइन थी एक अच्छा आइडिया था एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी लेकिन डायरेक्टर इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पेश नहीं कर पाते डल स्क्रीन प्ले फिल्म को और बिगाड़ देता है जिसके चलते श्री विष्णु की जो सिंसियर परफॉर्मेंस है उसी के रीजन के चलते आप इस फिल्म को देख सकते हो अदरवाइज ऐसा कुछ खास है नहीं फिल्म में इस फिल्म यानी कि स्वेक फिल्म को ऑफिशियली 4 अक्टूबर 2024 को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया था जब यह फिल्म रिलीज हुई तब तो इस फिल्म की स्टोरी लाइन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी अदरवाइज़ फिल्म का स्क्रीन प्ले जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो फिल्म के एडिटिंग के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे तो स्क्रीन प्ले पे भी के, को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसी चल नहीं पाई थी जहाँ पर आई के ऊपर इस फिल्म ने टोटल कभी तक बाईस सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से वैसे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बीस करोड़ के बजट के सामने सिर्फ आठ करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया था इस फिल्म को ओ टी टी पे अमेज़न प्राइम वीडियो के द्वारा प्रीमियर करवाया गया था उनके पास राइट्स हैं तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ तेलगू वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि स्वेग का हिंदी वर्जन का तभी कुछ अता पता नहीं है लेकिन फिल्म का तेलगु वर्जन अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ इस फिल्म को एक अच्छी व्यूअरशिप भी हासिल हुई है तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे स्वेग 2024 हज़ार की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज बेट ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें हसीद कोहली ने की हुई है इस फिल्म को पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया करीबन बीस करोड़ जितना बजट डाला हुआ था जिसमें टी जे ने इस फिल्म को एक अच्छे बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था उनके द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको श्री विष्णु ऋतु वर्मा मीरा जासमिन सुनील दक्षा नागरकर और रवि बाबू देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो वर्धमान संक्रान ने लिखी हुई की हुई है एडिटिंग विप्लव न्यासदम ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और उन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था ओ टी पे फिल्म दो घंटे से तीस मिनट के रन टाइम के साथ अवेलेबल करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी सागर ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड दोनों कंपोज किए हुआ म्यूजिक है, है टिप्स म्यूजिक वालों ने कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको श्री विष्णु देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में काफी सारे रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे किंग भावभती सोगनिका का रोल प्ले किया हुआ है एस आई भावभूति का रोल प्ले किया हुआ है विभूति का नायती का और सिंगरेनी सिंगा का रोल प्ले किया हुआ है रितु वर्मा इस फिल्म में डबल रोल में देखने को मिलती है विंजमरनी रुक्मणी और अनुभूति के रोल में मीरा जैस्मिन ने भी डबल रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे क्वीन उत्तापाला देवी और रेवती का रोल प्ले करते नजर आएंगे सुनील ने वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है दक्षा नागरकर ने डबल रोल प्ले किया हुआ है वासुंधरा देवी का और कलुआ का और रवि बाबू ने चिनानया का रोल प्ले किया हुआ है गोपराजू रमणा ने इस फिल्म में राजा गुरु और महर्षि के रोल में डबल रोल में काम किया हुआ है शरण प्रदीप ने इस फिल्म में दक्षिणी और कौशल्या का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनु ने माइकल का रोल प्ले किया हुआ है रजिया लक्ष्मी ने यह की मदर इन लो का रोल प्ले किया हुआ है एकम्बरम का रोल है वो पृथ्वीराज ने प्ले किया हुआ है दाविदू का रोल है वो वासु इंतुरी ने प्ले किया हुआ है वाडी वक्रशी ने इस फिल्म में विजय अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति दाम राजू ने इस फिल्म में निष्कल माह का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए म्यूज़िक के ओर बढ़ते इस फिल्म में आपको टोटल आ, चार ट्रैक सुनने को मिलते हैं म्यूजिक के राइट्स और टिप्स म्यूजिक के पास है जिन्होंने 2024 में गानों को रिकॉर्ड करवाया था और 2024 में ही रिलीज किया गया था जहां पे साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड उसको दोनों विवेक सागर के ही द्वारा कंपोज किए गए थे फिल्म का जो सभी गाना है उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था तो चार ट्रिक में पहला गाना है सिंगारो सिंगा जिसको निकलेसा सुंकोजी जी ने लिखा हुआ था बाबा सेगल गल वेकम विजय लक्ष्मी ने गाया हुआ था गुआ गुत्तीलो करके जो गाना है उसको बोना चंद्रा ने लिखा था मनो गीता मधुरी निग्धा शर्मा ने उसको गाया था इंग्लैंडो रानी करके जो गाना है उसको स्वरूप गोली ने लिखा था कैलाश खेर ने गाया था नीलो नीलो गाना जो एडिशनल वोकल्स है वो सृतिका समुन्द्रा ने दिए हुए थे अदरवाइज राजेश कृष्णन और रंजना स्वामी ने उसको गाया हुआ था और भुवाना चंद्रा ने उसको लिखा हुआ था ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको विवेक सागर ने कम्पोज किया था ये सभी गाने टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे फिलहाल उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म का जो शूटिंग का कामकाज था वो अनाउंसमेंट था दो हज़ार चौबीस के स्टार्टिंग में करवाया गया था एक अच्छे लंबे शेड्यूल्स के साथ हैदराबाद और अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाया गया था जुलाई के आसपास इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो भावभूति यानी कि श्री विष्णु एक क्रेज़ी पुलिस ऑफिसर है जो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है किसी एक दिन उसको एक लेटर मिलता है जहाँ पे उस लेटर में जो स्वग्निका डायनेस्टी उसका लीगल हेयर वो बताया जाता है उसके अंडर है वो तो अब किस तरह से इस सभी चीज़ों को इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट प्रॉपर्टी को लेता है इसके बाद में इस सुन के न्यूज़ को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग कर, करता है उस फैमिली को मिलता है बाद में धीरे धीरे आ, त, सेम फैमिली से तीन दूसरे लोग भी आ जाते क्लेम करते कि वो प्रॉपर्टी उनकी है और भावभूती को जो ये लेटर मिला हुआ था वो किस तरह से उसके पास आया हुआ था इसके अलावा तीन फैमिली और आई हुई है क्लेम करने वो कैसे कैसे पॉसिबल है इस फिल्म की कहानी में जो ये दो अलग फैमिली है तीन में से दो वो किस तरह से प्रॉपर्टी को सेम टू सेम वे से दिखते भी सेम ही है तो कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्रोच कर रहे इसके अलावा सेम क्यों दिख रहे एक्चुअल में इसका वारिसदार है कौन ये सभी सवालों के जवाब इसकी बैक स्टोरी वही जवाब देती है तो ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेड की हुई श्री विष्णु इसमें टोटल पाँच रोल प्ले करते हैं सभी रोल में वो अलग अलग सेट्स डालते हुए नज़र आते हैं और उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक से एक्टर के तौर पे सभी रोल को डिफ्रेंशिएट करते हुए नज़र आते हैं और सभी रोल में उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी सभी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है तो उनके बदौलत उनके कंधों के ऊपर ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाई गई है जहां का क्लाइमेक्स में जिस तरह से इमोशनल कर देते हैं वो अपने परफॉर्मेंस है वो भी बढ़िया था रितु वर्मा एक मीठी रोल प्ले करते हुए नजर आते है और फिल्म में वो काफी देव डालती हुई नजर आती है मीरा जासमिन ने इस फिल्म में एक बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है जहा पे उनकी परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर में काफी बढ़िया नजर आती है दक्षा नागरकर ने भी एक डिसेंट रोल प्ले किया हुआ था ठीक उसी तरह सुनील को भी एक अच्छा रोल मिला हुआ था जहां पर अपने रोल के साथ एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं गोपराज रमणा ने एक इंप्रेसिव काम किया हुआ है स्टोरी जिस तरह से फिल्म की दिखाई गई है वो काफी इंप्रेसिव है उसमें जो ट्विस्ट डाले हुए रेगुलर इंटरवल के ऊपर वो भी बढ़िया थे इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेकंड हाफ में डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे डायरेक्टर ने उस मैसेज को काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था और वहाँ पे जो इमोशनल चीज़ें थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी जो कन्फ्यूज़न था जो लीगल वारिसदार के ऊपर वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आखिरी के बीस पच्चीस मिनट में हैंडल किया हुआ था इस फिल्म का सबसे बड़ा एसेट है फिल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन जिस तरह से रॉयल एरा को शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हमारे सामने सभी चीज़ों को नए दुनिया को दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा जिस तरह से फर्स्ट हाफ में चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी काफ़ी बढ़िया थी स्वेग फिल्म एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई हुई थी जहाँ पे नेरेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग नजर आता है जिस तरह से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टर उन सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं जिसके चलते वो एक्चुअल पॉइंट में आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है ऑडियंस तब तक इस फिल्म के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती है और जो चीज़ें वो क्लियर नहीं हो पाती है तो ज़्यादातर ऑडियंस इसी डाउट तक इंटरवल पॉइंट तक तो यही डाउट में रह जाते उसके बाद में कुछ फिल्म में लॉजिकल एरर्स भी देखने को मिलते हैं मीरा जैसमिन दक्षा नागर करके जो करेक्टर शोकेस किए गए बाइगोनरा के उसमें भी कोई क्ल्यू नज़र नहीं आता है प्रॉपर मैनर में पेस फिल्म की काफ़ी स्लो नज़र आती है काफ़ी बेड मोमेंट्स फिल्म में आ, नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से नेरेशन हमारे सामने पेश किए गए वो भी उतने कुछ खास थे नहीं एक्चुअल ट्विस्ट और टंस उतने कुछ दमदार नज़र नहीं आते रन टाइम फिल्म का इश्यू बना रहता है क्योंकि फिल्म एक तो ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग थी और फिल्म स्लो चलती रहती है चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी सिम्पली नरेसा ने वो फिल्म को और बढ़िया बढ़िया बना सकता था एंगेजिंग स्क्रीन प्ले रखना चाहिए था वहाँ पे फिल्म पूरी तरह से फेल होती है विवेक सागर ने जो म्यूज़िक दिया हुआ है वो काफ़ी ऑर्डिनरी नज़र आता है बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसेंट था कुछ चीज़ों को एलिवेट करने में मदद करता है गानों में कुछ दम था नहीं सेट वर्क प्रॉप्स जिस तरह से यूज़ किए गए थे डायलॉग्स फिल्म के इंप्रेसिव थे कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से बाइगो नेरा को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था वो काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था वो काफ़ी डिसअपइंटिंग था और कन्फ्यूजिंग था डायरेक्टर हसीद गोली ने जिस तरह से सक्सेसफुली जो स्टोरी लाइन लिखी हुई थी इस वक्त फिल्म की नए चीज़ों के साथ वो सभी चीज़ें एक अच्छा मसाला और ड्रामा स्कोप तैयार कर सकती थी लेकिन वो एज़ अ डायरेक्टर के तौर पे उसको प्रॉपर मेनर में मटेरियलाइज नहीं कर पाए तो जिसके चलते नेरसन उनका फिका पड़ता हुआ नज़र आता है और फिल्म उतनी कुछ खास बेहतर नज़र नहीं आती इन एक का कन्फ्यूजिंग और कैरेक्टर्स के बीच में फंसी हुई नज़र आती है तो कुछ हद हाँ तक ही इंजॉएबल रेप आती है अदरवाइज़ ये फिल्म कन्फ्यूजिंग और अननेसेसरी चीज़ों के साथ हमारे सामने कनेक्ट नहीं कर पाते तो ओवरऑल स्वेक के पास एक अच्छी स्टोरी लाइन थी एक अच्छा आइडिया था एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी लेकिन डायरेक्टर इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पेश नहीं कर पाते डल स्क्रीन प्ले फिल्म को और बिगाड़ देता है जिसके चलते श्री विष्णु की जो सिंसियर परफॉर्मेंस है उसी के रीज़न के चलते आप इस फिल्म को देख सकते हो अदरवाइज ऐसा कुछ खास है नहीं फिल्म में इस फिल्म यानी कि स्वेक फिल्म को ऑफिशियली 4 अक्टूबर 2024 को तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया था जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी अदरवाइज फिल्म का स्क्रीन प्ले जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो फिल्म के एडिटिंग के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे तो स्क्रीन प्ले पे भी को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसी चल नहीं पाई थी जहाँ पर आई के ऊपर इस फिल्म ने टोटल अभी तक बाईस वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से वैसे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बीस करोड़ के बजट के सामने सिर्फ आठ करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया था इस फिल्म को ओ टी टी पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के द्वारा प्रीमियर करवाया गया था उनके पास राइट्स थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेक नाम के साथ तेलुगु वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्वेग का हिंदी वर्जन का तभी कुछ अता पता नहीं है लेकिन फिल्म का तेलुगु वर्जन अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो सुवेग नाम के साथ इस फिल्म को एक अच्छी व्यूअरशिप भी हासिल हुई है तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे दो 2024 चौबीस की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज बेट ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें हसीद कोहली ने की हुई है इस फिल्म को पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है करीबन बीस करोड़ जितना बजट डाला हुआ था जिसमें टीजे विश्वा प्रसाद ने इस फिल्म को एक अच्छे बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था उनके द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म के कास्ट में आपको श्री विष्णु ऋतु वर्मा मीरा जासमिन सुनील दक्षा नागरकर और रवि बाबू देखने को मिलेंगे फिल्म के टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो वर्धमान संक्रांत ने लिखी हुई की हुई है एडिटिंग विप्लव न्यासदम ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और उन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था ओ टी फिल्म दो घंटे से तीस मिनट के रन टाइम के साथ अवेलेबल करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में विवेक सागर ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड दोनों कंपोज किया हुआ है म्यूजिक है वो टिप्स म्यूजिक वालों ने कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको श्री विष्णु देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में काफी सारे रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे किंग भावभतीगनिका का रोल प्ले किया हुआ है एस आई भावभति का रोल प्ले किया हुआ है विभूति का नायती का और सिंगरेनी सिंगा का रोल प्ले किया हुआ है रितु वर्मा इस फिल्म में डबल रोल में देखने को मिलती है क्वीन विंजमरनी रुक्मिणी देविका और अनुभूति के रोल में मेरा जैस्मिन ने भी डबल रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे क्वीन उत्तपल्ला देवी और रेवती का रोल प्ले करते नजर आएंगे सुनील ने वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है दक्षा नागरकर ने डबल रोल प्ले किया हुआ है वासुंधरा देवी का और कलुआ का और रवि बाबू ने चिनानाया का रोल प्ले किया हुआ है गोपराजू रमणा ने इस फिल्म में राजा गुरु और महर्षि के रोल में डबल रोल में काम किया हुआ है शरणिया प्रदीप ने इस फिल्म में दक्षिणी और कौशल्या का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनु ने माइकल का रोल प्ले किया हुआ है रजिया लक्ष्मी ने यह की मदर इन लो का रोल प्ले किया हुआ है एकम्बरम का रोल है वो पृथ्वीराज ने प्ले किया हुआ है दाविदू का रोल है वो वासु इंतुरी ने प्ले किया हुआ है वाडी वक्रशी ने इस फिल्म में विजय अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति दाम राजू ने इस फिल्म में निष्कल माह का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है म्यूज़िक के और बढ़ते इस फिल्म में आपको टोटल आ, चार ट्रिक सुनने को मिलते हैं म्यूजिक के राइट्स और टिप्स म्यूजिक के पास है जिन्होंने 2024 में गानों को रिकॉर्ड करवाया था और 2024 में ही रिलीज किया गया था जहां पे साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड को दौड़ना विवेक सागर के ही द्वारा कंपोज किए गए थे फिल्म का जो सभी गाना है उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था तो चार ट्रिक में पहला गाना है सिंगारो सिंगा जिसको निकलेस सुनको जी ने लिखा हुआ था बाबा सेगल वेकम विजय लक्ष्मी ने गाया हुआ था गुआ गुत्तीलो कर के जो गाना है उसको बोना ચંદ્રને લિખા મનો ગીતા મધુરી निग्दा शर्मा ने उसको गाया था इंग्लैंडो रानी करके जो गाना है उसको स्वरूप गोली ने लिखा था कैलाश खेर ने गाया था नीलो नीलो गाना जो एडिशनल वोकल से वो सृतिका समुन्द्रला ने दिए हुए थे अदरवाइज राजेश कृष्णन और रंजना स्वामी ने उसको गाया हुआ था और भुवाना चंद्रा ने उसको लिखा हुआ था ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको विवेक सागर ने कंपोज किया था ये सभी गाने टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म का जो शूटिंग का कामकाज था वो अनाउंसमेंट था दो हज़ार चौबीस के स्टार्टिंग में करवाया गया था एक अच्छे लंबे शेड्यूल के साथ हैदराबाद और अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाया गया था जुलाई के आसपास इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो भावभूति यानी कि श्री विष्णु एक क्रेजी पुलिस ऑफिसर है जो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है किसी एक दिन उसको एक लेटर मिलता है जहाँ पे उस लेटर में जो स्वग्निका डायनेस्टी उसका लीगल हेयर वो बताया जाता है उसके अंडर है वो तो अब किस तरह से इस सभी चीज़ों को इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट प्रॉपर्टी को लेता है इसके बाद में इस सुन के न्यूज़ को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली को मिलता है बाद में धीरे धीरे सेम फैमिली से तीन दूसरे लोग भी आ जाते क्लेम करते कि वो प्रॉपर्टी उनकी है और भावभूती को जो ये लेटर मिला हुआ था वो किस तरह से उसके पास आया हुआ था इसके अलावा तीन फैमिली और आई हुई है इसको क्लेम करने वो कैसे कैसे पॉसिबल है इस फिल्म की कहानी में जो ये दो अलग फैमिली है तीन में से दो वो किस तरह से प्रॉपर्टी को सेम टू तो सेम वैसे दिखते भी सेम ही है तो कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्रोच कर रहे हैं इसके अलावा सेम क्यों दिख रहे हैं एक्चुअल में इसका वारिसदार है कौन ये सभी सवालों के जवाब इसकी बैक स्टोरी वही जवाब देती है तो ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई श्री विष्णु इसमें टोटल पाँच रोल प्ले करते हैं सभी रोल में वो अलग अलग सेट्स डालते हुए नज़र आते हैं और उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक से एक्टर के तौर पर सभी रोल को डिफ्रेंसीड करते हुए नज़र आते हैं और सभी रोल में उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी सभी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है तो उनके बदौलत उनके कंधों के ऊपर ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाई गई है जहाँ पे क्लाइमेक्स में जिस तरह से इमोशनल कर देते थे वो अपने परफॉर्मेंस है वो भी बढ़िया था रितु वर्मा एक मीठी रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म में वो काफ़ी देव डालती हुई नज़र आती है मीरा जासमिन ने इस फिल्म में एक बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर में काफ़ी बढ़िया नज़र आती है दक्षा नागरकर ने भी एक डिसेंट रोल प्ले किया हुआ था ठीक उसी तरह सुनील को भी एक अच्छा रोल मिला हुआ था जहाँ पर अपने रोल के साथ एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं गोपराज रमणा ने एक इम्प्रेसिव काम किया हुआ है स्टोरी जिस तरह से स्वेक फिल्म की दिखाई गई है वो काफी इंप्रेसिव है उसमें जो ट्विस्ट डाले हुए रेगुलर इंटरवल के ऊपर वो भी बढ़िया थे इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेकंड हाफ में डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे डायरेक्टर ने उस मैसेज को काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था और वहाँ पे जो इमोशनल चीज़ें थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी जो कन्फ्यूज़न था जो लीगल वारिसदार के ऊपर वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आखिरी के बीस पच्चीस मिनट में हैंडल किया हुआ था इस फिल्म का सबसे बड़ा एसेटेप फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन जिस तरह से रॉयल एरा को शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हमारे सामने सभी चीज़ों को नए दुनिया को दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा जिस तरह से फर्स्ट हाफ़ में चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी काफ़ी बढ़िया थी स्वेग फिल्म एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई हुई थी जहाँ पे नेरेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग नजर आता है जिस तरह से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टर उन सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं जिसके चलते वो एक्चुअल पॉइंट में आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है ऑडियंस तब तक इस फिल्म के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती है और जो चीज़ें वो क्लियर नहीं हो पाती है तो ज़्यादातर ऑडियंस इसी डाउट तक इंटरवल पॉइंट तक तो यही डाउट में रह जाते उसके बाद में कुछ फिल्म लॉजिकल एरर्स भी देखने को मिलते हैं मीरा जैस्मिन दक्षा नागर करके जो करेक्टर शोकेस किए गए बाइगोनरा के उसमें भी कोई क्ल्यू नज़र नहीं आता है प्रॉपर मैनर में पेस फिल्म की काफ़ी स्लो नज़र आती है काफ़ी बेड मोमेंट्स फिल्म में आ, नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से नेरेशन हमारे सामने पेश किए गए वो भी उतने कुछ खास थे नहीं एक्चुअल ट्विस्ट और टंस उतने कुछ दमदार नज़र नहीं आते रन टाइम फिल्म का इश्यू बना रहता है क्योंकि फिल्म एक तो ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग थी और फिल्म स्लो चलती रहती है चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी सिम्पल नरेशन ने वो फिल्म को और बढ़िया बढ़िया बना सकता था एंगेजिंग स्क्रीन प्ले रखना चाहिए था वहाँ पर फिल्म पूरी तरह से फेल होती है विवेक सागर ने जो म्यूजिक दिया हुआ है वो काफ़ी ऑर्डिनरी नज़र आता है बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसेंट था कुछ चीज़ों को एलिवेट करने में मदद करता है गानों में कुछ दम था नहीं सेट वर्क प्रॉप्स जिस तरह से यूज़ किए गए थे डायलॉग्स फिल्म के इंप्रेसिव थे कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से बाइगोन एरा को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था वो काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था वो काफ़ी डिसअपइंटिंग था और कन्फ्यूजिंग था डायरेक्टर हसीद गोली ने जिस तरह से सक्सेसफुली जो स्टोरी लाइन लिखी हुई थी इस वक्त फिल्म की नए चीज़ों के साथ वो सभी चीज़ें एक अच्छा मसाला और ड्रामा स्कोप तैयार कर सकती थी लेकिन वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उसको प्रॉपर मैनर में मटेरियलाइज नहीं कर पाए तो जिसके चलते नरेशन उनका फिका पड़ता हुआ नज़र आता है और फिल्म उतनी कुछ खास बेहतर नज़र नहीं आती एक का कन्फ्यूजिंग और कैरेक्टर्स के बीच में फंसी हुई नज़र आती तो है, है तो कुछ हद तक ही इंजॉएबल रेप आती है अदरवाइज़ ये फिल्म कन्फ्यूजिंग और अननेसेसरी चीज़ों के साथ हमारे सामने कनेक्ट नहीं कर पाते तो ओवरऑल स्वेक के पास एक अच्छी स्टोरी लाइन थी एक अच्छा आइडिया था एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी लेकिन डायरेक्टर इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पेश नहीं कर पाते डल स्क्रीन प्ले फिल्म को और बिगाड़ देता है जिसके चलते श्री विष्णु की जो सिंसियर परफॉर्मेंस है उसी के रीज़न के चलते आप इस फिल्म को देख सकते हो अदरवाइज ऐसा कुछ खास है नहीं फिल्म में इस फिल्म यानी कि स्वेक फिल्म को ऑफिशियली 4 अक्टूबर 2024 को तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया था जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी अदरवाइज फिल्म का स्क्रीन प्ले जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो फिल्म के एडिटिंग के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे तो स्क्रीन प्ले पे भी को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसी चल नहीं पाई थी जहाँ पर आई के ऊपर इस फिल्म ने टोटल अभी तक बाईस वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से वैसे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बीस करोड़ के बजट के सामने सिर्फ आठ करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया था इस फिल्म को ओ टी टी पर अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के द्वारा प्रीमियर करवाया गया था उनके पास राइट्स थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेक नाम के साथ तेलुगु वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्वेग का हिंदी वर्जन का तभी कुछ अता पता नहीं है लेकिन फिल्म का तेलुगु वर्जन अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ इस फिल्म को एक अच्छी व्यूअरशिप भी हासिल हुई है तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे स्वेग 2024 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज बेट ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें हसीद कोहली ने की हुई है इस फिल्म को पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है करीबन 20 करोड़ जितना बजट डाला हुआ था जिसमें टी जे ने इस फिल्म को एक अच्छे बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था उनके द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको श्री विष्णु रितु वर्मा मीरा जासमिन सुनील दक्षा नागरकर और रवि बाबू देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो वर्धमान संक्रांत ने लिखी हुई की हुई है एडिटिंग विप्लव न्यासदम ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और उन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था ओ टी पे फिल्म दो घंटे से तीस मिनट के रन टाइम के साथ अवेलेबल करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी एक सागर ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड सॉन्ग दोनों कंपोज किया है म्यूजिक है वो टिप्स म्यूजिक वालों ने कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको श्री विष्णु देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में आ, त, काफ़ी सारे रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे किंग भावभतीगनिका का रोल प्ले किया हुआ है एस आई भावभूति का रोल प्ले किया हुआ है विभूति का नायत नायती का और सिंगरनी सिंगा का रोल प्ले किया हुआ है रितु वर्मा इस फिल्म में डबल रोल में देखने को मिलती है क्वीन विंजमरनी रुक्मिणी देविका और अनुभूति के रोल में मेरा जैस्मिन ने भी डबल रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे क्वीन उत्तापाला देवी और रेवती का रोल प्ले करते नजर आएंगे सुनील ने वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है दक्षा नागरकर ने डबल रोल प्ले किया हुआ है वासुंधरा देवी का और कलुआ का और रवि बाबू ने कि नानाया का रोल प्ले किया हुआ है गोप राजू रमणा ने इस फिल्म में राजा गुरु और महर्षि के रोल में डबल रोल में काम किया हुआ है शरणिया प्रदीप ने इस फिल्म में दक्षाणी और कौशल्या का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनु ने माइकल का रोल प्ले किया हुआ है रजया लक्ष्मी ने यायती की मदर इन मदरिनलो का रोल प्ले किया हुआ है एकम्बरम का रोल है वो पृथ्वीराज ने प्ले किया हुआ है दाविदू का रोल है वो वासु इन्तुरी ने प्ले किया हुआ है वाडी वक्रशी ने इस फिल्म में विजयम्मा का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति दाम राजू ने इस फिल्म में निष्कल माह का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए म्यूज़िक की ओर बढ़ते हैं इस फिल्म में आपको टोटल चार ट्रैक सुनने को मिलते हैं म्यूज़िक के राइट्स और टिप्स म्यूज़िक के पास है जिन्होंने 2024 में गानों को रिकॉर्ड करवाया था और 2024 में ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड को दौड़ना विवेक सागर के ही द्वारा कंपोज किए गए थे फिल्म का जो सभी गाना है उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था तो चार ट्रैक में पहला गाना है सिंगारो सिंगा जिसको निकलेस सुंकोजी जी ने लिखा हुआ था बाबा सेगल वेकम विजय लक्ष्मी ने गाया हुआ था गुआ गुत्ती लोकर के जो गाना है उसको बोना चंद्रा ने लिखा था मनो गीता मधुरी निग्दा शर्मा ने उसको गाया था इंग्लैंडो रानी करके जो गाना है उसको स्वरूप गोली ने लिखा था कैलाश खेर ने गाया था नीलो नीलो गाना जो एडिशनल वोकल्स है वो सुरुचि सृतिका समुद्रा ने दिए हुए थे अदरवाइज राजेश कृष्णन और रंजना स्वामी ने उसको गाया हुआ था और भुवाना चंद्रा ने उसको लिखा हुआ था ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको विवेक सागर ने कंपोज़ किया था ये सभी गाने टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे फिलहाल मैं उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म का जो शूटिंग का कामकाज था वो अनाउंसमेंट था दो हज़ार चौबीस के स्टार्टिंग में करवाया गया था एक अच्छे लंबे शेड्यूल्स के साथ हैदराबाद और अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाया गया था जुलाई के आसपास इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो भावभूति यानी कि श्री विष्णु एक क्रेज़ी पुलिस ऑफिसर है जो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है किसी एक दिन उसको एक लेटर मिलता है जहाँ पे आ, उस लेटर में जो स्वग्निका डायनेस्टी उसका लीगल हेयर वो बताया जाता है उसके अंडर है वो तो अब किस तरह से इस सभी चीज़ों को इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट प्रॉपर्टी को लेता है इसके बाद में इस सुन के न्यूज़ को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली को मिलता है बाद में धीरे धीरे सेम फैमिली से तीन दूसरे लोग भी आ जाते क्लेम करते कि वो प्रॉपर्टी उनकी है और भावभूती को जो ये लेटर मिला हुआ था वो किस तरह से उसके पास आया हुआ था इसके अलावा तीन फैमिली और आई हुई इस इसको क्लेम करने वो कैसे कैसे पॉसिबल है इस फिल्म की कहानी में जो ये दो अलग फैमिली है तीन में से दो वो किस तरह से प्रॉपर्टी को सेम टू सेम वे से दिखते भी सेम ही है तो कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्रोच कर रहे हैं इसके अलावा सेम क्यों दिख रहे हैं एक्चुअल में इसका वारिसदार है कौन ये सभी सवालों के जवाब इसकी बैक स्टोरी वही जवाब देती है तो ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई श्री विष्णु इसमें टोटल पाँच रोल प्ले करते हैं सभी रोल में वो अलग अलग सेट्स डालते हुए नज़र आते हैं और उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक एक्टर के तौर पर सभी रोल को डिफ्रेंशिएट करते हुए नज़र आते हैं और सभी रोल में उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी सभी काफ़ी बढ़िया नजर आती है तो उनके बदौलत उनके कंधों के ऊपर ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से चलाई गई है जहां पर क्लाइमेक्स में जिस तरह से इमोशनल कर देते थे वो अपने परफॉर्मेंस से वो भी बढ़िया था रितु वर्मा एक मीठी रोल प्ले करते हैं नजर आते हैं। और फिल्म में वो काफ़ी देव डालती हुई नजर आती है मीरा जासमिन ने इस फिल्म में एक बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है जहां पर उनकी परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर में काफी बढ़िया नजर आती है दक्षा नागरकर ने भी एक डिसेंट रोल प्ले किया हुआ था ठीक उसी तरह सुनील को भी एक अच्छा रोल मिला हुआ था जहाँ पर अपने रोल के साथ एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं गोपराज रमणा ने एक इंप्रेसिव काम किया हुआ है स्टोरी जिस तरह से स्वेक फिल्म की दिखाई गई है वो काफी इंप्रेसिव है उसमें जो ट्विस्ट डाले हुए रेगुलर इंटरवल के ऊपर वो भी बढ़िया थे इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेकंड हाफ़ में डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे डायरेक्टर ने उस मैसेज को काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था और वहाँ पे जो इमोशनल चीज़ें थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी जो कंफ्यूजन था जो लीगल वारिसदार के ऊपर वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आखिरी के बीस पच्चीस मिनट में हैंडल किया हुआ था इस फिल्म का सबसे बड़ा एसेट है फिल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन जिस तरह से रॉयल एरा को शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हमारे सामने सभी चीज़ों को नए दुनिया को दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा जिस तरह से फर्स्ट हाफ में चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी काफ़ी काफ़ी बढ़िया थी स्वेग फिल्म एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई हुई थी जहाँ पे नेरेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग नज़र आता है जिस तरह से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टर उन सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं जिसके चलते वो एक्चुअल पॉइंट में आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है ऑडियंस तब तक इस फिल्म के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती है और जो चीज़ें वो क्लियर नहीं हो पाती है तो ज़्यादातर ऑडियंस इसी डाउट तक इंटरवल पॉइंट तक तो यही डाउट में रह जाते उसके बाद में कुछ फिल्म में लॉजिकल एरर्स भी देखने को मिलते हैं मीरा जैसमिन दक्षा नागर करके जो कैरेक्टर शोकेस किए गए बाइगोन एरा के उसमें भी कोई क्ल्यू नज़र नहीं आता है प्रॉपर मैनर में पेस फिल्म की काफ़ी स्लो नज़र आती है काफ़ी बेड मोमेंट्स फिल्म में आ, नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से नरेशन हमारे सामने पेश किए गए वो भी उतने कुछ खास थे नहीं एक्चुअल ट्विस्ट और टंस उतने कुछ दमदार नज़र नहीं आते रन टाइम फिल्म का इश्यू बना रहता है क्योंकि फिल्म एक तो ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग थी और फिल्म स्लो चलती रहती है चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी सिंपली नरेशन है वो फिल्म को और बढ़िया बढ़िया बना सकता था एंगेजिंग स्क्रीन प्ले रखना चाहिए था वहाँ पर फिल्म पूरी तरह से फेल होती है विवेक सागर ने जो म्यूजिक दिया हुआ है वो काफ़ी ऑर्डिनरी नज़र आता है बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसेंट था कुछ चीज़ों को वेट करने में मदद करता है गानों में कुछ दम था नहीं सेट वर्क प्रॉप्स जिस तरह से यूज़ किए गए थे डायलॉग्स फिल्म के इंप्रेसिव थे कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से बाइगोनरा को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था वो काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था और कन्फ्यूजिंग था डायरेक्टर हसीद कोहली ने जिस तरह से सक्सेसफुली जो स्टोरी लाइन लिखी हुई थी इस फिल्म की नए चीज़ों के साथ वो सभी चीज़ें एक अच्छा मसाला और ड्रामा स्कोप तैयार कर सकती थी लेकिन वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उसको प्रॉपर मैनर में मटेरियलाइज नहीं कर पाए तो जिसके चलते नरिसन उनका फिका पड़ता हुआ नज़र आता है और फिल्म उतनी कुछ खास बेहतर नज़र नहीं आती इन एक का कन्फ्यूजिंग और कैरेक्टर्स के बीच में फंसी हुई नज़र आती तो हाँ है तो कुछ हद तक ही इंजॉयबल रेप आती है अदरवाइज़ ये फिल्म कन्फ्यूजिंग और अननेसेसरी चीज़ों के साथ हमारे सामने कनेक्ट नहीं कर पाते तो ओवरऑल स्वेक के पास एक अच्छी स्टोरी लाइन थी एक अच्छा आइडिया था एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी लेकिन डायरेक्टर इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पेश नहीं कर पाते डल स्क्रीन प्ले फिल्म को और बिगाड़ देता है जिसके चलते श्री विष्णु की जो सिंसियर परफॉर्मेंस है उसी के रीजन के चलते आप इस फिल्म को देख सकते हो अदरवाइज ऐसा कुछ खास है नहीं फिल्म में इस फिल्म यानी कि स्वेक फिल्म को ऑफिशियली 4 अक्टूबर 2024 को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया था जब यह फिल्म रिलीज हुई तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी अदरवाइज़ फिल्म का स्क्रीन प्ले जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो फिल्म के एडिटिंग के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे तो स्क्रीन प्ले पे पर को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसी चल नहीं पाई थी जहाँ पे आई के ऊपर इस फिल्म ने टोटल कभी तक बाईस वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से वैसे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बीस करोड़ के बजट के सामने सिर्फ आठ करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया था इस फिल्म को ओ टी टी पर अमेजन प्राइम वीडियो के द्वारा प्रीमियर करवाया गया था उनके पास राइट्स थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ तेलुगु वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्वेग का हिंदी वर्जन का तभी कुछ अता पता नहीं है लेकिन फिल्म का तेलगु वर्जन अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो सुयग नाम के साथ इस फिल्म को एक अच्छी व्यूअरशिप भी, भी हासिल हुई है तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे स्वेग 2024 हजार की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज बेट ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें हसीद कोहली ने की हुई है इस फिल्म को पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है करीबन 20 करोड़ जितना बजट डाला हुआ था जिसमें टी जे ने इस फिल्म को एक अच्छे बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था उनके द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको श्री विष्णु ऋतु वर्मा मीरा जासमिन सुनील दक्षा नागरकर और रवि बाबू देखने को मिलेंगे फिल्म के टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो वर्धमान संक्रांत ने लिखी हुई की हुई है एडिटिंग विप्लव न्यासदम ने की हुई है जिन्होंने एक सौ उनसाठ मिनट यानी कि दो घंटे और उनपचास मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था ओ टी पे फिल्म दो घंटे से तीस मिनट के रन टाइम के साथ अवेलेबल करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी एक सागर ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड को सॉन्क्स दोनों कंपोज किए है म्यूजिक है वो टिप्स म्यूजिक वालों ने कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको श्री विष्णु देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में आ, त, काफी सारे रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे किंग भावती सोगनिका का रोल प्ले किया हुआ है एस आई भावभूति का रोल प्ले किया हुआ है विभूति का नायती का और सिंगरेनी सिंगा का रोल प्ले किया हुआ है रितु वर्मा इस फिल्म में डबल रोल में देखने को मिलती है क्वीन विंजमरनी रुक्मणी और अनुभूति के रोल में मेरा जैस्मिन ने भी डबल रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे क्वीन उत्तापाला देवी और रेवती का रोल प्ले करते नजर आएंगे सुनील ने वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है दक्षा नागरकर ने डबल रोल प्ले किया हुआ है वासुंधरा देवी का और कलुआ का और रवि बाबू ने कि नानाया का रोल प्ले किया हुआ है गोपराजू रमणा ने इस फिल्म में राजा गुरु और महर्षि के रोल में डबल रोल में काम किया हुआ है शरण प्रदीप ने इस फिल्म में दक्षाणी और कौशल्या का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनु ने माइकल का रोल प्ले किया हुआ है रजया लक्ष्मी ने यह की मदर इन मदरिनलो का रोल प्ले किया हुआ है एकम्बरम का रोल है वो पृथ्वीराज ने प्ले किया हुआ है दाविदू का रोल है वो वासु इन्तुरी ने प्ले किया हुआ है वाडी वुकसी ने इस फिल्म में विजय अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति दाम राजू ने इस फिल्म में निष्कल सागर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए म्यूज़िक के और बढ़ते इस फिल्म में आपको टोटल आ, चार ट्रिक सुनने को मिलते हैं म्यूजिक के राइट्स और टिप्स म्यूजिक के पास है जिन्होंने 2024 में गानों को रिकॉर्ड करवाया था और 2024 में ही रिलीज किया गया था जहां पे साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड उसको दौड़ना विवेक सागर के ही द्वारा कंपोज किए गए थे फिल्म का जो सभी गाना है उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था तो चार ट्रिक में पहला गाना है सिंगारो सिंगा जिसको निकलेस सुनको जी ने लिखा हुआ था बाबा से गल वेकम विजय लक्ष्मी ने गाया हुआ था गुआ गुत्ती लोकर के जो गाना है उसको बोना चंद्रा ने लिखा था मनो गीता मधुरी निग्धा शर्मा ने उसको गाया था इंग्लैंडो रानी करके जो गाना है उसको स्वरूप गोली ने लिखा था कैलाश खेर ने गाया था नीलो नीलो गाना जो एडिशनल वोकल्स है वो सृतिका समुन्द्रा ने दिए हुए थे अदरवाइज राजेश कृष्णन और रंजना स्वामी ने उसको गाया हुआ था और भुवाना चंद्रा ने उसको लिखा हुआ था ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको विवेक सागर ने कम्पोज किया था ये सभी गाने टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाए गए थे फिलहाल मैं उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म का जो शूटिंग का कामकाज था वो अनाउंसमेंट था दो हज़ार चौबीस के स्टार्टिंग में करवाया गया था एक अच्छे लंबे शेड्यूल्स के साथ हैदराबाद और अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाया गया था जुलाई के आसपास इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो भावभूति यानी कि श्री विष्णु एक क्रेज़ी पुलिस ऑफिसर है जो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है किसी एक दिन उसको एक लेटर मिलता है जहाँ पे उस लेटर में जो स्वग्निका डायनेस्टी उसका लीगल हेयर वो बताया जाता है उसके अंडर है वो तो अब किस तरह से इस सभी चीज़ों को इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट प्रॉपर्टी को लेता है इसके बाद में इस सुन के न्यूज़ को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली को मिलता है बाद में धीरे धीरे सेम फैमिली से तीन दूसरे लोग भी आ जाते क्लेम करते कि वो प्रॉपर्टी उनकी है और भावभूति को जो ये लेटर मिला हुआ था वो किस तरह से उसके पास आया हुआ था इसके अलावा तीन फैमिली और आई हुई है इसको क्लेम करने वो कैसे कैसे पॉसिबल है इस फिल्म की कहानी में जो ये दो अलग फैमिली है तीन में से दो वो किस तरह से प्रॉपर्टी को उस सेम टू सेम वे से दिखते भी सेम ही है तो कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्रोच कर रहे हैं इसके अलावा सेम क्यों दिख रहे हैं एक्चुअल में इसका वारिसदार है कौन ए, ये सभी सवालों के जवाब इसकी बैक स्टोरी वही जवाब देती है तो ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई श्री विष्णु इसमें टोटल पाँच रोल प्ले करते हैं सभी रोल में वो अलग अलग सेट्स डालते हुए नज़र आते हैं और उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक से एक्टर के तौर पर सभी रोल को डिफ्रेंसीट करते हुए नज़र आते हैं और सभी रोल में उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी सभी काफी बढ़िया नजर आती है तो उनके बदौलत उनके कंधों के ऊपर ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाई गई है पे क्लाइमेक्स में जिस तरह से इमोशनल कर देते थे वो अपने परफॉर्मेंस से वो भी बढ़िया था रितु वर्मा एक मीठी रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं और फिल्म में वो काफी देव डालती हुई नजर आती है मीरा जासमिन ने इस फिल्म में एक बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर में काफी बढ़िया नज़र आती है दक्षा नागरकर ने भी एक डिसेंट रोल प्ले किया हुआ था ठीक उसी तरह सुनील को भी एक अच्छा रोल मिला हुआ था जहाँ पे अपने रोल के साथ एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए तो नजर आते हैं राजू रमणा ने एक इंप्रेसिव काम किया हुआ है। स्टोरी जिस तरह से फिल्म की दिखाई गई है वो काफी इंप्रेसिव है उसमें जो ट्विस्ट डाले हुए रेगुलर इंटरवल के ऊपर वो भी बढ़िया थे इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेकंड हाफ में डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे डायरेक्टर ने उस मैसेज को काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था और वहाँ पे जो इमोशनल चीज़ें थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी जो कन्फ्यूज़न था जो लीगल वारिसदार के ऊपर वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आखिरी के बीस पच्चीस मिनट में हैंडल किया हुआ था इस फिल्म का सबसे बड़ा एसेट है फिल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन जिस तरह से रॉयल एरा को शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हमारे सामने सभी चीज़ों को नए दुनिया को दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा जिस तरह से फर्स्ट हाफ में चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी काफ़ी बढ़िया थी स्वेग फिल्म एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई हुई थी जहाँ पे नेरेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग नज़र आता है जिस तरह से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टर उन सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी ज्यादा टाइम ले लेते हैं जिसके चलते वो एक्चुअल पॉइंट में आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है ऑडियंस तब तक इस फिल्म के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती है और जो चीज़ें वो क्लियर नहीं हो पाती है तो ज़्यादातर ऑडियंस इसी डाउट तक ट्रेल पॉइंट तक तो यही डाउट में रह जाते हैं उसके बाद में कुछ फिल्म में लॉजिकल एरर्स भी देखने को मिलते हैं मीरा जैसमिन दक्षा नागर करके जो कैरेक्टर्स शोकेस किए गए बाइगो नेरा के उसमें भी कोई क्ल्यू नज़र नहीं आता है प्रॉपर मैनर में पेस फिल्म की काफ़ी स्लो नज़र आती है काफ़ी बेड मोमेंट्स फिल्म में आ, नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से नरेशन हमारे सामने पेश किए गए वो भी उतने कुछ खास थे नहीं एक्चुअल ट्विस्ट और टंस उतने कुछ दमदार नजर नहीं आते रन टाइम फिल्म का इश्यू बना रहता है क्योंकि फिल्म एक तो ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग थी और फिल्म स्लो चलती रहती है चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी सिंपली नरेशन है वो फिल्म को और बढ़िया बढ़िया बना सकता था एंगेजिंग स्क्रीन प्ले रखना चाहिए था वहाँ पर फिल्म पूरी तरह से फेल होती है विवेक सागर ने जो म्यूजिक दिया हुआ है वो काफ़ी ऑर्डिनरी नज़र आता है बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसेंट था कुछ चीज़ों को वेट करने में मदद करता है गानों में कुछ दम था नहीं सेट वर्क प्रॉप्स जिस तरह से यूज़ किए गए थे डायलॉग्स फिल्म के इंप्रेसिव थे कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से बाइगोनरा को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था वो काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था और कन्फ्यूजिंग था डायरेक्टर हसीद कोहली ने जिस तरह से सक्सेसफुली जो स्टोरी लाइन लिखी हुई थी इस वक्त फिल्म की नए चीज़ों के साथ वो सभी चीज़ें एक अच्छा मसाला और ड्रामा स्कोप तैयार कर सकती थी लेकिन वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उसको प्रॉपर मैनर में मटेरियलाइज नहीं कर पाए तो जिसके चलते नरेशन उनका फिका पड़ता हुआ नजर आता है और फिल्म उतनी कुछ खास बेहतर नज़र नहीं आती इन एक का कन्फ्यूजिंग और कैरेक्टर्स के बीच में फंसी हुई नज़र आती तो कुछ हद हाँ तक ही इंजोएबल रह पाते अदरवाइज़ ये फिल्म कन्फ्यूजिंग और अननेसेसरी चीज़ों के साथ हमारे सामने कनेक्ट नहीं कर पाती तो ओवरऑल श्वेक के पास एक अच्छी स्टोरी लाइन थी एक अच्छा आइडिया था एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी लेकिन डायरेक्टर इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पेश नहीं कर पाते डल स्क्रीन प्ले फिल्म को और बिगाड़ देता है जिसके चलते श्री विष्णु की जो सिंसियर परफॉर्मेंस है उसी के के चलते आप इस फिल्म को देख सकते हो अदरवाइज ऐसा कुछ खास है नहीं फिल्म में इस फिल्म यानी कि फिल्म को ऑफिशियली 4 अक्टूबर 2024 को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया था जब यह फिल्म रिलीज हुई तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी अदरवाइज फिल्म का स्क्रीन प्ले जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ वो फिल्म के एडिटिंग के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे तो स्क्रीन प्ले पे भी को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसी चल नहीं पाई थी जहाँ पर आई के ऊपर इस फिल्म ने टोटल अभी तक बाईस वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से वैसे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बीस करोड़ के बजट के सामने सिर्फ आठ करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया था इस फिल्म को ओ टी टी पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के द्वारा प्रीमियर करवाया गया था उनके पास राइट्स थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेक नाम के साथ तेलुगू वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्वेग का हिंदी वर्जन का तभी कुछ अता पता नहीं है लेकिन फिल्म का तेलगु वर्जन अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो सुग नाम के साथ इस फिल्म को एक अच्छी व्यूअरशिप भी हासिल हुई है तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे दो हजार चौबीस की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज बेट ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें हसीद कोहली ने की हुई है इस फिल्म को पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है करीबन बीस करोड़ जितना बजट डाला हुआ था जिसमें टीजे विश्वा ने इस फिल्म को एक अच्छे बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था उनके द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको श्री विष्णु ऋतु वर्मा मीरा जासमिन सुनील दक्षा नागरकर और रवि बाबू देखने को मिलेंगे फिल्म के टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो वर्धमान संक्रांत ने लिखी हुई की हुई है एडिटिंग विप्लव न्यासदम ने की हुई है जिन्होंने एक सौ उनसाठ मिनट यानी कि दो घंटे और उन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था ओ टी पे फिल्म दो घंटे से तीस मिनट के रन टाइम के साथ अवेलेबल करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी एक सागर ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड दोनों कंपोज किया हुआ है म्यूजिक है वो टिप्स म्यूजिक वालों ने कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको श्री विष्णु देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में काफी सारे रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे किंग भावती सोगनिका का रोल प्ले किया हुआ है एस आई भावभूति का रोल प्ले किया हुआ है विभूति का नायती का और सिंगरनी सिंगा का रोल प्ले किया हुआ है रितु वर्मा इस फिल्म में डबल रोल में देखने को मिलती है नी रुकमणि देवी का और अनुभूति के रोल में मीरा जासमिन ने भी डबल रोल प्ले किया है जहां पे क्वीन उत्तापाल देवी और रेवती का रोल प्ले करते नजर आएंगे सुनील ने वासुदेव का रोल प्ले किया है दक्षा नागरकर ने डबल रोल प्ले किया है वासुन्धरा देवी का और कलुआ का और रवि बाबू ने चिनानाया का रोल प्ले किया हुआ है गोपराजू रमणा ने इस फिल्म में राजा गुरु और महर्षि के रोल में डबल रोल में काम किया हुआ है शरणिया प्रदीप ने इस फिल्म में दक्षिणी और कौशल्या का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनु ने माइकल का रोल प्ले किया हुआ है रजिया लक्ष्मी ने यह की मदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है एकम्बरम का रोल है वो पृथ्वीराज ने प्ले किया हुआ है दाविदू का रोल है वो वासु इंतुरी ने प्ले किया हुआ है वाडी वुक्रसी ने इस फिल्म में विजयम्मा का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति दाम राजू ने इस फिल्म में निस्कलमा शाह का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है म्यूजिक की ओर बढ़ते इस फिल्म में आपको टोटल चार ट्रिक सुनने को मिलते हैं म्यूजिक के राइट्स और टिप्स म्यूजिक के पास है जिन्होंने 2024 में गानों को रिकॉर्ड करवाया था और 2024 में ही रिलीज किया गया था जहां पे साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड उसको दोनों विवेक सागर के ही द्वारा कंपोज किए गए थे फिल्म का जो सभी गाना है उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था तो चार ट्रिक में पहला गाना है सिंगारो सिंगा जिसको निकलेसा सुको जी ने लिखा हुआ था बाबा सेगल वेकम विजय लक्ष्मी ने गाया हुआ था गुआ गुत्ती लोकर के जो गाना है उसको बोना चंद्रा ने लिखा था मनो गीता निग्दा शर्मा ने उसको गाया था इंग्लैंडो रानी करके जो गाना है उसको स्वरूप गोली ने लिखा था कैलाश खेर ने गाया था नीलो नीलो गाना जो एडिशनल वोकल से वो सृतिका समुद्र ने दिए हुए थे अदरवाइज राजेश कृष्णन और रंजना स्वामी ने उसको गाया हुआ था और भुवाना चंद्रा ने उसको लिखा हुआ था ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको विवेक सागर ने कंपोज किया था ये सभी गाने टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाए गए थे फिलहाल उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म का जो शूटिंग का कामकाज था वो अनाउंसमेंट था दो के स्टार्टिंग में करवाया गया था एक अच्छे लंबे शेड्यूल के साथ हैदराबाद और अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाया गया था जुलाई के आसपास इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो भावभूति यानी कि श्री विष्णु एक क्रेज़ी पुलिस ऑफिसर है जो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है किसी एक दिन उसको एक लेटर मिलता है जहाँ पे उस लेटर में जो स्वग्निका डायनेस्टी उसका लीगल हेयर वो बताया जाता है उसके अंडर है वो तो अब किस तरह से इस सभी चीज़ों को इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट प्रॉपर्टी को लेता है इसके बाद में इस सुन के न्यूज़ को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली को मिलता है बाद में धीरे धीरे सेम फैमिली से तीन दूसरे लोग भी आ जाते क्लेम करते कि वो प्रॉपर्टी उनकी है और भावभूती को जो ये लेटर मिला हुआ था वो किस तरह से उसके पास आया हुआ था इसके अलावा तीन फैमिली और आई हुई है इसको क्लेम करने वो कैसे कैसे पॉसिबल है इस फिल्म की कहानी में जो ये दो अलग फैमिली है तीन में से दो वो किस तरह से प्रॉपर्टी को उस सेम टू सेम वे से दिखते भी सेम ही है तो कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्रोच कर रहे हैं इसके अलावा सेम क्यों दिख रहे हैं एक्चुअल में इसका वारिसदार है कौन ए, ये सभी सवालों के जवाब इसकी बैक स्टोरी वही जवाब देती है तो ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई श्री विष्णु इसमें टोटल पाँच रोल प्ले करते हैं सभी रोल में वो अलग अलग सेट्स डालते हुए नज़र आते हैं और उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक एक्टर के तौर पर सभी रोल को डिफ्रेंशिएट करते हुए नजर आते हैं और सभी रोल में उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी सभी काफ़ी बढ़िया नजर आती है तो उनके बदौलत उनके कंधों के ऊपर ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाई गई है जहाँ पे क्लाइमेक्स में जिस तरह से इमोशनल कर देते थे वो अपने परफॉर्मेंस है वो भी बढ़िया था रितु वर्मा एक मीठी रोल प्ले करते हुए नजर आती है और फिल्म में वो काफ़ी देव डालती हुई नज़र आती है मीरा जासमिन ने इस फिल्म में एक बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर में काफ़ी बढ़िया नज़र आती है दक्षा नागरकर ने भी एक डिसेंट रोल प्ले किया हुआ था ठीक उसी तरह सुनील को भी एक अच्छा रोल मिला हुआ था जहाँ पे अपने रोल के साथ एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए तो नजर आते हैं गोपराज रमणा ने एक काम किया हुआ है स्टोरी जिस तरह से फिल्म की दिखाई गई है वो काफी है। उसमें जो ट्विस्ट डाले हुए रेगुलर इंटरवल के ऊपर वो भी बढ़िया थे इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेकंड हाफ में डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे डायरेक्टर ने उस मैसेज को काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था और वहाँ पे जो इमोशनल चीज़ें थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी जो कन्फ्यूज़न था जो लीगल वारिसदार के ऊपर वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आखिरी के बीस पच्चीस मिनट में हैंडल किया हुआ था इस फिल्म का सबसे बड़ा एसेट है फिल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन जिस तरह से रॉयल एरा को शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हमारे सामने सभी चीज़ों को नए दुनिया को दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा जिस तरह से फर्स्ट हाफ में चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी काफ़ी बढ़िया थी स्वेग फिल्म एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई हुई थी जहां पे नेरेशन काफी कंफ्यूजिंग नजर आता है जिस तरह से काफी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टर उन सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा टाइम ले लेते हैं जिसके चलते वो एक्चुअल पॉइंट में आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है ऑडियंस तब तक इस फिल्म के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती है और जो चीज़ें वो क्लियर नहीं हो पाती है तो ज्यादातर ऑडियंस इसी डाउट तक ट्रेवल पॉइंट तक तो यही डाउट में रह जाते उसके बाद में कुछ फिल्म में लॉजिकल एरर्स भी देखने को मिलते हैं मीरा जैस्मिन दक्षा नागर करके जो कैरेक्टर्स शोकेस किए गए बाइगो नेरा के उसमें भी कोई क्ल्यू नज़र नहीं आता है प्रॉपर मैनर में पेस फिल्म की काफ़ी स्लो नज़र आती है काफ़ी बेड मोमेंट्स फिल्म में आ, नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से नरेशन हमारे सामने पेश किए गए वो भी उतने कुछ खास थे नहीं एक्चुअल ट्विस्ट और टंस उतने कुछ दमदार नज़र नहीं आते रन टाइम फिल्म का इश्यू बना रहता है क्योंकि फिल्म एक तो ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग थी और फिल्म स्लो चलती रहती है चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी सिंपली नरेशन है ने वो फिल्म को और बढ़िया बढ़िया बना सकता था एंगेजिंग स्क्रीन प्ले रखना चाहिए था वहाँ पर फिल्म पूरी तरह से फेल होती है विवेक सागर ने जो म्यूज़िक दिया हुआ है वो काफ़ी ऑर्डिनरी नज़र आता है बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसेंट था कुछ चीज़ों को ट करने में मदद करता है गानों में कुछ दम था नहीं सेट वर्क प्रॉप्स जिस तरह से यूज़ किए गए थे डायलॉग्स फिल्म के इंप्रेसिव थे कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से बाइगोनरा को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था वो काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था और कंफ्यूजिंग था डायरेक्टर हसीद गोली ने जिस तरह से सक्सेसफुली जो स्टोरी लाइन लिखी हुई थी इस उस फिल्म की नए चीज़ों के साथ वो सभी चीज़ें एक अच्छा मसाला और ड्रामा स्कोप तैयार कर सकती थी लेकिन वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उसको प्रॉपर मेनर में मटेरियलाइज नहीं कर पाए तो जिसके चलते नेरसन उनका फिका पड़ता हुआ नजर आता है और फिल्म उतनी कुछ खास बेहतर नज़र नहीं आती एक का कन्फ्यूजिंग और कैरेक्टर्स के बीच में फंसी हुई नज़र आती है तो कुछ हद हाँ तक ही इंजॉएबल रह पाते अदरवाइज़ ये फिल्म कन्फ्यूजिंग और अननेसेसरी चीज़ों के साथ हमारे सामने कनेक्ट नहीं कर पाती तो ओवरऑल श्वेक के पास एक अच्छी स्टोरी लाइन थी एक अच्छा आइडिया था एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी लेकिन डायरेक्टर इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पेश नहीं कर पाते डल स्क्रीन प्ले फिल्म को और बिगाड़ देता है जिसके चलते श्री विष्णु की जो सिंसियर परफॉर्मेंस है उसी के रीज़न के चलते आप इस फिल्म को देख सकते हो अदरवाइज ऐसा कुछ खास है नहीं फिल्म में इस फिल्म यानी कि स्विक फिल्म को ऑफिशियली 4 अक्टूबर 2024 को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया था जब यह फिल्म रिलीज हुई तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी अदरवाइज फिल्म का स्क्रीन प्ले जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो फिल्म के एडिटिंग के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे तो स्क्रीन प्ले पे भी को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसी चल नहीं पाई थी जहाँ पर आई के ऊपर इस फिल्म ने टोटल कभी तक बाईस सौ वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से वैसे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बीस करोड़ के बजट के सामने सिर्फ आठ करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया था इस फिल्म को ओ टी टी पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के द्वारा प्रीमियर करवाया गया था उनके पास राइट्स थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेक नाम के साथ तेलुगु वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्वेग का हिंदी वर्जन का तभी कुछ अता पता नहीं है लेकिन फिल्म का तेलुगु वर्जन अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो सुयग नाम के साथ इस फिल्म को एक अच्छी व्यूअरशिप भी हासिल हुई है तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे दो हजार चौबीस की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज बेट ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें हसीद कोहली ने की हुई है इस फिल्म को पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है करीबन बीस करोड़ जितना बजट डाला हुआ था जिसमें टीजे विश्वा ने इस फिल्म को एक अच्छे बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था उनके द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको श्री विष्णु ऋतु वर्मा मीरा जासमिन सुनील दक्षा नागरकर और रवि बाबू देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी है वो वर्धमान संक्र ने की हुई है एडिटिंग विप्लव न्यासदम ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और उनपचास मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था ओटीटी पे फिल्म दो घंटे से तीस मिनट के रन टाइम के साथ अवेलेबल करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में वि एक सागर ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड सॉन्ग दोनों कंपोज किया हुआ है म्यूजिक है वो टिप्स म्यूजिक वालों ने कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको श्री विष्णु देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में आ, त, काफ़ी सारे रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे किंग भावभतीगनिका का रोल प्ले किया हुआ है एस आई भावभति का रोल प्ले किया हुआ है विभूति का नायती का और सिंगरनी सिंगा का रोल प्ले किया हुआ है रितु वर्मा इस फिल्म में डबल रोल में देखने को मिलती है क्वीन विंजमरनी रुकमणि देवी का और अनुभूति के रोल में मीरा जासमिन ने भी डबल रोल प्ले किया है जहां पे क्वीन उत्तापाल्ला देवी और रेवती का रोल प्ले करते नजर आएंगे सुनील ने वासुदेव का रोल प्ले किया है दक्षा नागरकर ने डबल रोल प्ले किया है वासुन्धरा देवी का और कलुआ का और रवि बाबू ने चिनानाया का रोल प्ले किया हुआ है गोपराजू रमणा ने इस फिल्म में राजा गुरु और महर्षि के रोल में डबल रोल में काम किया हुआ है सरणिया प्रदीप ने इस फिल्म में दक्षिणी और कौशल्या का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनु ने माइकल का रोल प्ले किया हुआ है रजिया लक्ष्मी ने यह थी की मदर इन लो का रोल प्ले किया हुआ है एकम्बरम का रोल है वो पृथ्वीराज ने प्ले किया हुआ है दाविदू का रोल है वो वासु इंतुरी ने प्ले किया हुआ है वाडी वुकसी ने इस फिल्म में विजय अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति दाम राजू ने इस फिल्म में निस्कलमा शाह का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है म्यूजिक की ओर बढ़ते इस फिल्म में आपको टोटल चार ट्रिक सुनने को मिलते हैं म्यूजिक के राइट्स और टिप्स म्यूजिक के पास है जिन्होंने 2024 में गानों को रिकॉर्ड करवाया था और 2024 में ही रिलीज किया गया था जहां पे साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड उसको दौड़ना विवेक सागर के ही द्वारा कंपोज किए गए थे फिल्म का जो सभी गाना है उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था तो चार ट्रिक में पहला गाना है सिंगारो सिंगा जिसको निकलेस सुनको जी ने लिखा हुआ था बाबा सेगल वेकम विजय लक्ष्मी ने गाया हुआ था गुआ गुत्तीलो कर के जो गाना है उसको बोना चंद्रा ने लिखा था मनो गीता मधुरी निग्धा शर्मा ने उसको गाया था इंग्लैंडो रानी करके जो गाना है उसको स्वरूप गोली ने लिखा था कैलाश खेर ने गाया था नीलो नीलो गाना जो एडिशनल वोकल्स है वो सृतिका समुन्द्रला ने दिए हुए थे अदरवाइज राजेश कृष्णन और रंजना स्वामी ने उसको गाया हुआ था और भुवाना चंद्रा ने उसको लिखा हुआ था ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको विवेक सागर ने कम्पोज किया था ये सभी गाने टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे फिलहाल उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म का जो शूटिंग का कामकाज था वो अनाउंसमेंट था दो हज़ार चौबीस के स्टार्टिंग में करवाया गया था एक अच्छे लंबे शेड्यूल के साथ हैदराबाद और अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाया गया था जुलाई के आसपास इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो भावभूति यानी कि श्री विष्णु एक क्रेज़ी पुलिस ऑफिसर है जो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है किसी एक दिन उसको एक लेटर मिलता है जहाँ पे आ, उस लेटर में जो स्वग्निका डायनेस्टी उसका लीगल हेयर वो बताया जाता है उसके अंडर है वो तो अब किस तरह से इस सभी चीज़ों को इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट प्रॉपर्टी को लेता है इसके बाद में इस सुन के न्यूज़ को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली को मिलता है बाद में धीरे धीरे सेम फैमिली से तीन दूसरे लोग भी आ जाते क्लेम करते कि वो प्रॉपर्टी उनकी है और भावभूती को जो ये लेटर मिला हुआ था वो किस तरह से उसके पास आया हुआ था इसके अलावा तीन फैमिली और आई हुई इस इसको क्लेम करने वो कैसे कैसे पॉसिबल है इस फिल्म की कहानी में जो ये दो अलग फैमिली है तीन में से दो वो किस तरह से प्रॉपर्टी को सेम टू सेम वे से दिखते भी सेम ही है तो कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्रोच कर रहे हैं इसके अलावा सेम क्यों दिख रहे हैं एक्चुअल में इसका वारिसदार है कौन ए, ये सभी सवालों के जवाब इसकी बैक स्टोरी वही जवाब देती है तो ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई श्री विष्णु इसमें टोटल पाँच रोल प्ले करते हैं सभी रोल में वो अलग अलग सेट्स डालते हुए नजर आते हैं और उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक से एक्टर के तौर पर सभी रोल को डिफ्रेंशिएट करते हुए नजर आते हैं और सभी में उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी सभी काफी बढ़िया नजर आती है तो उनके बदौलत उनके कंधों के ऊपर ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाई गई है जहाँ पे का क्लाइमेक्स में जिस तरह से इमोशनल कर देते थे वो अपने परफॉर्मेंस से वो भी बढ़िया था रितु वर्मा एक मीठी रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। और फिल्म में वो काफ़ी देव डालती हुई नज़र आती है मीरा जासमिन ने इस फिल्म में एक बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर में काफ़ी बढ़िया नजर आती है दक्षा नागरकर ने भी एक डिसेंट रोल प्ले किया हुआ था ठीक उसी तरह सुनील को भी एक अच्छा रोल मिला हुआ था जहाँ पर अपने रोल के साथ एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं गोपराज मणा ने एक इंप्रेसिव काम किया हुआ है स्टोरी जिस तरह से स्वेक फिल्म की दिखाई गई है वो काफी इंप्रेसिव है उसमें जो ट्विस्ट डाले हुए रेगुलर इंटरवल के ऊपर वो भी बढ़िया थे इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेकंड हाफ में डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे डायरेक्टर ने उस मैसेज को काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था और वहाँ पे जो इमोशनल चीज़ें थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी जो कन्फ्यूज़न था जो लीगल वारिसदार के ऊपर वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आखिरी के बीस पच्चीस मिनट में हैंडल किया हुआ था इस फिल्म का सबसे बड़ा एसेट है फिल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन जिस तरह से रॉयल एरा को शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हमारे सामने सभी चीज़ों को नए दुनिया को दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा जिस तरह से फर्स्ट हाफ में चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी काफ़ी बढ़िया थी स्वेग फिल्म एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई हुई थी जहां पे नेरेशन काफी कंफ्यूजिंग नजर आता है जिस तरह से काफी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टर उन सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा टाइम ले लेते हैं जिसके चलते वो एक्चुअल पॉइंट में आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है ऑडियंस तब तक इस फिल्म के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती है और जो चीजें वो क्लियर नहीं हो पाती है तो ज्यादातर ऑडियंस इसी डाउट तक इंटर पॉइंट तक तो यही डाउट में रह जाते उसके बाद में कुछ फिल्म लॉजिकल एरर्स भी देखने को मिलते हैं मीरा जैसमिन दक्षा नागर करके जो कैरेक्टर शोकेस किए गए बाइगो एरा के उसमें भी कोई क्ल्यू नज़र नहीं आता है प्रॉपर मैनर में पेस फिल्म की काफ़ी स्लो नज़र आती है काफ़ी बेड मोमेंट्स फिल्म में आ, नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से नरेशन हमारे सामने पेश किए गए वो भी उतने कुछ खास थे नहीं एक्चुअल ट्विस्ट और टंस उतने कुछ दमदार नज़र नहीं आते रन टाइम फिल्म का इश्यू बना रहता है क्योंकि फिल्म एक तो ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग थी और फिल्म स्लो चलती रहती है चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी सिंपली नरेशन है ने वो फिल्म को और बढ़िया बढ़िया बना सकता था एंगेजिंग स्क्रीन प्ले रखना चाहिए था वहाँ पर फिल्म पूरी तरह से फेल होती है विवेक सागर ने जो म्यूज़िक दिया हुआ है वो काफ़ी ऑर्डिनरी नज़र आता है बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसेंट था कुछ चीज़ों को वेट करने में मदद करता है गानों में कुछ दम था नहीं सेट वर्क प्रॉप्स जिस तरह से यूज़ किए गए थे डायलॉग्स फिल्म के इंप्रेसिव थे कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से बाइगोनरा को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था वो काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था और कन्फ्यूजिंग था डायरेक्टर हसीद गोली ने जिस तरह से सक्सेसफुली जो स्टोरी लाइन लिखी हुई थी इस जिस फिल्म की नए चीज़ों के साथ वो सभी चीज़ें एक अच्छा मसाला और ड्रामा स्कोप तैयार कर सकती थी लेकिन वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उसको प्रॉपर मेनर में मटेरियलाइज नहीं कर पाए तो जिसके चलते नरिसन उनका फिका पड़ता हुआ नजर आता है और फिल्म उतने कुछ खास बेहतर नज़र नहीं आते इन एक का कन्फ्यूजिंग और कैरेक्टर्स के बीच में फंसी हुई नज़र आती है तो कुछ हद हाँ तक ही इंजॉयबल रह पाते अदरवाइज़ ये फिल्म कन्फ्यूजिंग और अननेसेसरी चीज़ों के साथ हमारे सामने कनेक्ट नहीं कर पाते तो ओवरऑल श्वेक के पास एक अच्छी स्टोरी लाइन थी एक अच्छा आइडिया था एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी लेकिन डायरेक्टर इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पेश नहीं कर पाते डल स्क्रीन प्ले फिल्म को और बिगाड़ देता है जिसके चलते श्री विष्णु की जो सिंसियर परफॉर्मेंस है उसी के रीज़न के चलते आप इस फिल्म को देख सकते हो अदरवाइज ऐसा कुछ खास है नहीं फिल्म में इस फिल्म यानी कि फिल्म को ऑफिशियली 4 अक्टूबर 2024 को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया था जब ये फिल्म रिलीज हुई तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी अदरवाइज़ फिल्म का स्क्रीन प्ले जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो फिल्म के एडिटिंग के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे तो स्क्रीन प्ले पे भी के को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसी चल नहीं पाई थी जहाँ पर आई के ऊपर इस फिल्म ने टोटल अभी तक बाईस वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से वैसे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बीस करोड़ के बजट के सामने सिर्फ आठ करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया था इस फिल्म को ओ टी टी पे अमेजन प्राइम वीडियो के द्वारा प्रीमियर करवाया गया था उनके पास राइट्स थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ तेलुगु वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्वेग का हिंदी वर्जन का तभी कुछ अत पता नहीं है लेकिन फिल्म का तेलुगु वर्जन अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ इस फिल्म को एक अच्छी व्यूअरशिप भी हासिल हुई है तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे स्वेग 2024 हज़ार की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज बेट ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें हसीद कोहली ने की हुई है इस फिल्म को पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है करीबन बीस करोड़ जितना बजट डाला हुआ था जिसमें टी जे ने इस फिल्म को एक अच्छे बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था उनके द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको श्री विष्णु ऋतु वर्मा मीरा जासमिन सुनील दक्षा नागरकर और रवि बाबू देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो वर्धमान संक्रांत ने लिखी हुई की हुई है एडिटिंग विप्लव न्यासदम ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और उन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला था ओ टी पे फिल्म दो घंटे से तीस मिनट के रन टाइम के साथ अवेलेबल करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी एक सागर ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग दोनों कंपोज किए हुआ म्यूजिक है वो टिप्स म्यूजिक वालों ने कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको श्री विष्णु देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में आ, त, काफ़ी सारे रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे किंग भावभती सोगनिका का रोल प्ले किया हुआ है एस आई भावभूति का रोल प्ले किया हुआ है विभूति का नायती का और सिंगरनी सिंगा का रोल प्ले किया हुआ है रितु वर्मा इस फिल्म में डबल रोल में देखने को मिलती है क्वीन विंजमरनी रुकमणी देविका और अनुभूति के रोल में मेरा जासमिन ने भी डबल रोल प्ले किया है जहाँ पे क्वीन उत्तापाला देवी और रेवती का रोल प्ले करते नजर आएंगे सुनील ने वासुदेव का रोल प्ले किया है दक्षा नागरकर ने डबल रोल प्ले किया है वासुंधरा देवी का और कलुआ का और रवि बाबू ने कि नानाया का रोल प्ले किया हुआ है गोपराजू रमणा ने इस फिल्म में राजा गुरु और महर्षि के रोल में डबल रोल में काम किया हुआ है शरणिया प्रदीप ने इस फिल्म में दक्षिणी और कौशल्या का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनु ने माइकल का रोल प्ले किया हुआ है रजिया लक्ष्मी ने थी की मदर इन मदरिनलो का रोल प्ले किया हुआ है एकम्बरम का रोल है वो पृथ्वीराज ने प्ले किया हुआ है दाविदू का रोल है वो वासु इन्तुरी ने प्ले किया हुआ है वाडी वक्रशी ने इस फिल्म में विजय अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति दाम राजू ने इस फिल्म में निष्कल माह का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए म्यूज़िक के ओर बढ़ते इस फिल्म में आपको टोटल आ, चार ट्रिक सुनने को मिलते हैं म्यूजिक के राइट्स और टिप्स म्यूजिक के पास है जिन्होंने 2024 में गानों को रिकॉर्ड करवाया था और 2024 में ही रिलीज किया गया था जहां पे साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड उसको दौड़ना विवेक सागर के ही द्वारा कंपोज किए गए थे फिल्म का जो सभी गाना है उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था तो चार ट्रिक में पहला गाना है सिंगारो सिंगा जिसको निकलेस सुनको जी ने लिखा हुआ था बाबा सेगल वेकम विजय लक्ष्मी ने गाया हुआ था गुआ गुत्तीलोकर के जो गाना है उसको बोना चंद्रा ने लिखा था मनो गीता मधुरी निग्दा शर्मा ने उसको गाया था इंग्लैंडो रानी करके जो गाना है उसको स्वरूप गोली ने लिखा था कैलाश खेर ने गाया था नीलो नीलो गाना जो एडिशनल वोकल से वो सृचिका समुद्रा ने दिए हुए थे अदरवाइज राजेश कृष्णन और रंजना स्वामी ने उसको गाया हुआ था और भुवाना चंद्रा ने उसको लिखा हुआ था ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको विवेक सागर ने कम्पोज किया था ये सभी गाने टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे फिलहाल में उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म का जो शूटिंग का कामकाज था वो अनाउंसमेंट था दो हज़ार चौबीस के स्टार्टिंग में करवाया गया था एक अच्छे लंबे शेड्यूल्स के साथ हैदराबाद और अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाया गया था जुलाई के आसपास इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो भावभूति यानी कि श्री विष्णु एक क्रेज़ी पुलिस ऑफिसर है जो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है किसी एक दिन उसको एक लेटर मिलता है जहाँ पे उस लेटर में जो स्वग्निका डायनेस्टी उसका लीगल हेयर वो बताया जाता है उसके अंडर है वो तो अब किस तरह से इस सभी चीज़ों को इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट प्रॉपर्टी को लेता है इसके बाद में इस सुन के न्यूज़ को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली को मिलता है बाद में धीरे धीरे सेम फैमिली से तीन दूसरे लोग भी आ जाते क्लेम करते कि वो प्रॉपर्टी उनकी है और भावभूती को जो ये लेटर मिला हुआ था वो किस तरह से उसके पास आया हुआ था इसके अलावा तीन फैमिली और आई हुई है इसको क्लेम करने वो कैसे कैसे पॉसिबल है इस फिल्म की कहानी में जो ये दो अलग फैमिली है तीन में से दो वो किस तरह से प्रॉपर्टी को सेम टू सेम वे से दिखते भी सेम ही है तो कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्रोच कर रहे हैं इसके अलावा सेम क्यों दिख रहे हैं एक्चुअल में इसका वारिसदार है कौन ए, ये सभी सवालों के जवाब इसकी बैक स्टोरी वही जवाब देती है तो ये सभी चीज़ों में फ़िल्म की कहानी सेट की हुई श्री विष्णु इसमें टोटल पाँच रोल प्ले करते हैं सभी रोल में वो अलग अलग सेट्स डालते हुए नज़र आते हैं और उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक एक्टर के तौर पर सभी रोल को डिफ्रेंशिएट करते हुए नजर आते हैं और सभी में उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी सभी काफ़ी बढ़िया नजर आती है तो उनके बदौलत उनके कंधों के ऊपर ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाई गई है जहाँ पे का क्लाइमेक्स में जिस तरह से इमोशनल कर देते थे वो अपने परफॉर्मेंस से वो भी बढ़िया था रितु वर्मा एक मीठी रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म में वो काफ़ी देव डालती हुई नजर आती है मीरा जासमिन ने इस फिल्म में एक बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर में काफ़ी बढ़िया नज़र आती है दक्षा नागरकर ने भी एक डिसेंट रोल प्ले किया हुआ था ठीक उसी तरह सुनील को भी एक अच्छा रोल मिला हुआ था जहाँ पर अपने रोल के साथ एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं गोपराज मणा ने एक इंप्रेसिव काम किया हुआ है स्टोरी जिस तरह से स्वेक फिल्म की दिखाई गई है वो काफी इम्प्रेसिव है उसमें जो ट्विस्ट डाले हुए रेगुलर इंटरवल के ऊपर वो भी बढ़िया थे इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेकंड हाफ़ में डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे डायरेक्टर ने उस मैसेज को काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था और वहाँ पे जो इमोशनल चीज़ें थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी जो कंफ्यूजन था जो लीगल वारिसदार के ऊपर वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आखिरी के बीस पच्चीस मिनट में हैंडल किया हुआ था इस फिल्म का सबसे बड़ा है फिल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन जिस तरह से रॉयल एरा को शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हमारे सामने सभी चीज़ों को नए दुनिया को दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा जिस तरह से फर्स्ट हाफ में चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी काफ़ी भी बढ़िया थी स्वेग फिल्म एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई हुई थी जहाँ पे नेरेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग नज़र आता है जिस तरह से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टर उन सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं जिसके चलते वो एक्चुअल पॉइंट में आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है ऑडियंस तब तक इस फिल्म के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती है और जो चीज़ें वो क्लियर नहीं हो पाती है तो ज़्यादातर ऑडियंस इसी डाउट तक ट्रेल पॉइंट तक तो यही डाउट में रह जाते उसके बाद में कुछ फिल्म लॉजिकल एरर्स भी देखने को मिलते हैं मीरा जैसमिन दक्षा नागर करके जो कैरेक्टर सोकेस किए गए बाइगो एरा के उसमें भी कोई क्ल्यू नज़र नहीं आता है प्रॉपर मैनर में पेस फिल्म की काफ़ी स्लो नज़र आती है काफ़ी बेड मोमेंट्स फिल्म में आ, नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से नरेशन हमारे सामने पेश किए गए वो भी उतने कुछ खास थे नहीं एक्चुअल ट्विस्ट और टंस उतने कुछ दमदार नज़र नहीं आते रन टाइम फिल्म का इश्यू बना रह रहता है क्योंकि फिल्म एक तो ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग थी और फिल्म स्लो चलती रहती है चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी सिंपली नरेशन वो फिल्म को और बढ़िया बढ़िया बना सकता था एंगेजिंग स्क्रीन प्ले रखना चाहिए था वहाँ पर फिल्म पूरी तरह से फेल होती है विवेक सागर ने जो म्यूज़िक दिया हुआ है वो काफ़ी ऑर्डिनरी नजर आता है बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसेंट था कुछ चीज़ों को एलिवेट करने में मदद करता है गानों में कुछ दम था नहीं सेट वर्क प्रॉप्स जिस तरह से यूज़ किए गए थे डायलॉग्स फिल्म के इंप्रेसिव थे कैमरा वर्क फिल्म का, का काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से बाइगोनरा को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था वो काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था और कंफ्यूजिंग था डायरेक्टर हसीद कोहली ने जिस तरह से सक्सेसफुली जो स्टोरी लाइन लिखी हुई थी इस वक्त फिल्म की नए चीज़ों के साथ वो सभी चीज़ें एक अच्छा मसाला और ड्रामा स्कोप तैयार कर सकती थी लेकिन वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उसको प्रॉपर मेनर में मटेरियलाइज नहीं कर पाए तो जिसके चलते नेरिसन उनका फिका पड़ता हुआ नजर आता है और फिल्म उतनी कुछ खास बेहतर नज़र नहीं आती इन एक का कन्फ्यूजिंग और कैरेक्टर्स के बीच में फंसी हुई नज़र आती तो है तो कुछ हद तक ही इंजोएबल रह पाते अदरवाइज़ ये फिल्म कन्फ्यूजिंग और अननेसेसरी चीज़ों के साथ हमारे सामने कनेक्ट नहीं कर पाती तो ओवरऑल श्वेक के पास एक अच्छी स्टोरी लाइन थी एक अच्छा आइडिया था एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी लेकिन डायरेक्टर इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पेश नहीं कर पाते डल स्क्रीन प्ले फिल्म को और बिगाड़ देता है जिसके चलते श्री विष्णु की जो सिंसियर परफॉर्मेंस है उसी के रीज़न के चलते आप इस फिल्म को देख सकते हो अदरवाइज ऐसा कुछ खास है नहीं फिल्म में स, इस फिल्म यानी कि स्वेक फिल्म को ऑफिशियली 4 अक्टूबर 2024 को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया था जब यह फिल्म रिलीज हुई तब तो इस फिल्म की स्टोरी लाइन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी अदरवाइज फिल्म का स्क्रीन प्ले जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो फिल्म के एडिटिंग के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे तो स्क्रीन प्ले पे भी को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसी चल नहीं पाई थी जहाँ पर आई के ऊपर इस फिल्म ने टोटल अभी तक बाईस वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से वैसे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बीस करोड़ के बजट के सामने सिर्फ आठ करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया था इस फिल्म को ओ टी टी पे अमेजन प्राइम वीडियो के द्वारा प्रीमियर करवाया गया था उनके पास राइट्स थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ तेलगू वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्वेग का हिंदी वर्जन का तभी कुछ अता पता नहीं है लेकिन फिल्म का तेलगू वर्ज़न अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ इस फिल्म को एक अच्छी व्यवरशिप भी हासिल हुई है तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे स्वेग 2024 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज बेट ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें हसीद कोहली ने की हुई है इस फिल्म को पीपल मीडिया फैक्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया करीबन 20 करोड़ जितना बजट डाला हुआ था जिसमें टी जे ने इस फिल्म को एक अच्छे बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था उनके द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको श्री विष्णु ऋतु वर्मा मीरा जासमिन सुनील दक्षा नागरकर और रवि बाबू देखने को मिलेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी है वो वर्धमान संक्रांत ने लिखी हुई की हुई है एडिटिंग विप्लव न्यासदम ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और उनपचास मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था ओ टी पे फिल्म दो घंटे से तीस मिनट के रन टाइम के साथ अवेलेबल करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में विवेक सागर ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड को सॉन्ग्स दोनों कंपोज़ किए है म्यूजिक है वो टिप्स म्यूजिक वालों ने कंपोज किया हुआ है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में आपको श्री विष्णु देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में काफ़ी सारे रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे किंग भावभती सोगनिका का रोल प्ले किया हुआ है एस आई भावभूती का रोल प्ले किया हुआ है विभूति का नायती का और सिंगरनी सिंगा का रोल प्ले किया हुआ है रितु वर्मा इस फिल्म में डबल रोल में देख देखने को मिलती है क्वीन विंजमर ने रुकमणी देवी का और अनुभूति के रोल में मेरा जैस्मिन ने भी डबल रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पे क्वीन उत्तापाला देवी और रेवती का रोल प्ले करते नजर आएंगे सुनील ने वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है दक्षा नागरकर ने डबल रोल प्ले किया हुआ है वासुंधरा देवी का और कलुआ का और रवि बाबू ने चिनानया का रोल प्ले किया हुआ है गोपराजू रमणा ने इस फिल्म में राजा गुरु और महर्षि के रोल में डबल रोल में काम किया हुआ है शरण या प्रदीप ने इस फिल्म में दक्षिणी और कौशल्या का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनू ने माइकल का रोल प्ले किया हुआ है रजिया लक्ष्मी ने यह थी कि मदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है एकम्बरम का रोल है वो पृथ्वीराज ने प्ले किया हुआ है दाविदू का रोल है वो वासु इन्तुरी ने प्ले किया हुआ है वाडी वक्रशी ने इस फिल्म में विजय अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है कीर्ति दाम राजू ने इस फिल्म में निष्कल माह का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए म्यूजिक के ओर बढ़ते इस फिल्म में आपको टोटल आ, चार ट्रिक सुनने को मिलते हैं म्यूजिक के राइट्स और टिप्स म्यूजिक के पास है जिन्होंने 2024 में गानों को रिकॉर्ड करवाया था और 2024 में ही रिलीज किया गया था जहां पे साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड उसको दौड़ना विवेक सागर के ही द्वारा कंपोज किए गए थे फिल्म का जो सभी गाना है उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था तो चार ट्रिक में पहला गाना है सिंगारो सिंगा जिसको निकलेस सुनको जी ने लिखा हुआ था बाबा से गल वेकम विजय लक्ष्मी ने गाया हुआ था गुआ गुत्ती लोकर के जो गाना है उसको बोना चंद्रा ने लिखा था मनो गीता मधुरी निग्धा शर्मा ने उसको गाया था इंग्लैंडो रानी करके जो गाना है उसको स्वरूप गोली ने लिखा था कैलाश खेर ने गाया था नीलो नीलो गाना जो एडिशनल वोकल्स है वो सृतिका समुन्द्रा ने दिए हुए थे अदरवाइज राजेश कृष्णन और रंजना स्वामी ने उसको गाया हुआ था और भुवाना चंद्रा ने उसको लिखा हुआ था ये टोटल चार ट्रैक थे जिसको विवेक सागर ने कम्पोज किया था ये सभी गाने टिप्स म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए गए थे फिलहाल उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हो इस फिल्म का जो शूटिंग का कामकाज था वो अनाउंसमेंट था दो हज़ार चौबीस के स्टार्टिंग में करवाया गया था एक अच्छे लंबे शेड्यूल के साथ हैदराबाद और अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करवाया गया था जुलाई के आसपास इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो भावभूति यानी कि श्री विष्णु एक क्रेज़ी पुलिस ऑफिसर है जो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है किसी एक दिन उसको एक लेटर मिलता है जहाँ पे उस लेटर में जो स्वग्निका डायनेस्टी उसका लीगल हेयर वो बताया जाता है उसके अंडर है वो तो अब किस तरह से इस सभी चीज़ों को इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट प्रॉपर्टी को लेता है इसके बाद में इस सुन के न्यूज़ को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली को मिलता है बाद में धीरे धीरे सेम फैमिली से तीन दूसरे लोग भी आ जाते क्लेम करते कि वो प्रॉपर्टी उनकी है और भावभूती को जो ये लेटर मिला हुआ था वो किस तरह से उसके पास आया हुआ था इसके अलावा तीन फैमिली और आई हुई है इसको क्लेम करने वो कैसे कैसे पॉसिबल है इस फिल्म की कहानी में जो ये दो अलग फैमिली है तीन में से दो वो किस तरह से प्रॉपर्टी को सेम टू तो सेम वे से दिखते भी सेम ही है तो कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्रोच कर रहे इसके अलावा सेम क्यों दिख रहे हैं एक्चुअल में इसका वारिसदार है कौन ये सभी सवालों के जवाब इसकी बैक स्टोरी वही जवाब देती है तो ये सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई श्री विष्णु इसमें टोटल पाँच रोल प्ले करते हैं सभी रोल में वो अलग अलग सेट्स डालते हुए नज़र आते हैं और उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक से एक्टर के तौर पे सभी रोल को डिफ्रेंशिएट करते हुए नज़र आते हैं और सभी रोल में उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी सभी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है तो उनके बदौलत उनके कंधों के ऊपर ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाई गई है जहाँ पे क्लाइमेक्स में जिस तरह से इमोशनल कर देते हैं वो अपने परफॉर्मेंस है वो भी बढ़िया था रितु वर्मा एक मीठी रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म में वो काफ़ी देव डालती हुई नज़र आती है मीरा जासमिन ने इस फिल्म में एक बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर में काफ़ी बढ़िया नज़र आती है दक्षा नागरकर ने भी एक डिसेंट रोल प्ले किया हुआ था ठीक उसी तरह सुनील को भी एक अच्छा रोल मिला हुआ था जहाँ पर अपने रोल के साथ एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं गोपराज तो रमणा ने एक इंप्रेसिव काम किया हुआ है स्टोरी जिस तरह से स्वेक फिल्म की दिखाई गई है वो काफी इंप्रेसिव है उसमें जो ट्विस्ट डाले हुए रेगुलर इंटरवल के ऊपर वो भी बढ़िया थे इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेकंड हाफ में डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे डायरेक्टर ने उस मैसेज को काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था और वहाँ पे जो इमोशनल चीज़ें थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी जो कन्फ्यूज़न था जो लीगल वारिसदार के ऊपर वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आखिरी के बीस पच्चीस मिनट में हैंडल किया हुआ था इस फिल्म का सबसे बड़ा एसेट है फिल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन जिस तरह से रॉयल एरा को शोकेस किया हुआ है जिस तरह से हमारे सामने सभी चीज़ों को नए दुनिया को दिखाया जाता है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी इसके अलावा जिस तरह से फर्स्ट हाफ में चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी काफ़ी बढ़िया थी स्वेग फिल्म एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई हुई थी जहाँ पे नेरेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग नज़र आता है जिस तरह से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टर उन सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी ज्यादा टाइम ले लेते हैं जिसके चलते वो एक्चुअल पॉइंट में आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है ऑडियंस तब तक इस फिल्म के साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती है और जो चीज़ें वो क्लियर नहीं हो पाती है तो ज़्यादातर ऑडियंस इसी डाउट तक ट्रेल पॉइंट तक तो यही डाउट में रह जाते जाते उसके बाद में कुछ फिल्म में लॉजिकल एरर्स भी देखने को मिलते हैं मीरा जैसमिन दक्षा नागर करके जो कैरेक्टर्स शोकेस किए गए बाइगो नेरा के उसमें भी कोई क्ल्यू नज़र नहीं आता है प्रॉपर मैनर में पेस फिल्म की काफ़ी स्लो नज़र आती है काफ़ी बेड मोमेंट्स फिल्म में नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से नरेशन हमारे सामने पेश किए गए वो भी उतने कुछ खास थे नहीं एक्चुअल ट्विस्ट और टर्स उतने कुछ दमदार नज़र नहीं आते रन टाइम फिल्म का इश्यू बना रहता है क्योंकि फिल्म एक तो ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग थी और फिल्म स्लो चलती रहती है चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी सिंपली नरेशन है ने वो फिल्म को और बढ़िया बढ़िया बना सकता था एंगेजिंग स्क्रीन प्ले रखना चाहिए था वहाँ पर फिल्म पूरी तरह से फेल होती है विवेक सागर ने जो म्यूज़िक दिया हुआ है वो काफ़ी ऑर्डिनरी नज़र आता है बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसेंट था कुछ चीज़ों को एलिवेट करने में मदद करता है गानों में कुछ दम था नहीं सेट वर्क प्रॉप्स जिस तरह से यूज़ किए गए थे डायलॉग्स फिल्म के इंप्रेसिव थे कैमरा वर्क फिल्म का, का काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से बाइगोनरा को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था वो काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में, में दिखाया हुआ है जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था और कन्फ्यूजिंग था डायरेक्टर हसीद कोहली ने जिस तरह से सक्सेसफुली जो स्टोरी लाइन लिखी हुई थी इस वक्त फिल्म की नए चीज़ों के साथ वो सभी चीज़ें एक अच्छा मसाला और ड्रामा स्कोप तैयार कर सकती थी लेकिन वो एज़ अ डायरेक्टर के तौर पे उसको प्रॉपर मैनर में मटेरियलाइज नहीं कर पाए तो जिसके चलते नेरिसन उनका फिका पड़ता हुआ नजर आता है और फिल्म उतनी कुछ खास बेहतर नज़र नहीं आती इन एक का कन्फ्यूजिंग और कैरेक्टर्स के बीच में फंसी हुई नज़र आती है तो कुछ हद हाँ तक ही इंजोएबल रेप आती है अदरवाइज़ ये फिल्म कन्फ्यूजिंग और अननेसेसरी चीज़ों के साथ हमारे सामने कनेक्ट नहीं कर पाते तो ओवरऑल स्वेक के पास एक अच्छी स्टोरी लाइन थी एक अच्छा आइडिया था एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी लेकिन डायरेक्टर इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पेश नहीं कर पाते डल स्क्रीन प्ले फिल्म को और बिगाड़ देता है जिसके चलते श्री विष्णु की जो सिंसियर परफॉर्मेंस है उसी के रीज़न के चलते आप इस फिल्म को देख सकते हो अदरवाइज ऐसा कुछ खास है नहीं फिल्म में इस फिल्म यानी कि स्वेक फिल्म को ऑफिशियली 4 अक्टूबर 2024 को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया था जब यह फिल्म रिलीज हुई तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी अदरवाइज फिल्म का स्क्रीन प्ले जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ वो फिल्म के एडिटिंग के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे तो स्क्रीन प्ले पे भी के, को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसी चल नहीं पाई थी जहाँ पर आई के ऊपर इस फिल्म ने टोटल अभी तक बाईस वोट हासिल किए हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से वैसे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बीस करोड़ के बजट के सामने सिर्फ आठ करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया था इस फिल्म को ओ टी टी पे अमेजोन प्राइम वीडियो के द्वारा प्रीमियर करवाया गया था उनके पास राइट्स थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर भी थी इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ तेलगू वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्वेग का हिंदी वर्जन का तभी कुछ अता पता नहीं है लेकिन फिल्म का तेलगु वर्जन अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर भी थी इंग्लिस सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो स्वेग नाम के साथ इस फिल्म को एक अच्छी व्यवरशिप भी हासिल हुई है तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे तो बस गाय इस स्वेग फिल्म के ऊपर जो भी बातें थी जो भी चीज़ें थी वो मैंने शेयर कर दी है ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी एक जानकारी दे दी है फिल्म से जुड़े डिफरेंट डिफरेंट इस पे के वो भी मैंने शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू